आज हम लोग वेब जी के फिजिक्स पेपर का डिस्कशन, डिटेल सॉल्यूशन डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस भी हैं, उनको भी एक एक करके डिस्कस देखेंगे, और जहाँ पे मेरे मेरे अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए उसका रीजन भी जस्टिफाई करूंगा मैं। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन को डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ। स्फेरिकल कन्वेक्स सर्फेस ऑफ पावर 5 डायोप्टर, एक कन्वेक्स सर्फेस का पावर 5 डायोप्टर है। Separates object and image space of refractive index 1 and 4 by 3. So this is a convex surface and यहाँ का medium ये 1 है and यहाँ का medium 4 by 3 है। यहाँ पे object and यहाँ पे image बनने वाली है, ठीक है। And जब भी वो कहते हैं कि किसी एक surface का power बोल रहे हैं, वो मतलब lens का power नहीं है, mirror का power नहीं है, एक surface का power कह रहे हैं, तो उसमें बेसिकली आपको क्या करना है कि आपको ये मानना है कि रेज इंफिनिटी से आ रही है, एंड रेज इंफिनिटी से आके कहाँ पे कन्वर्ज या डाइवर्ज करती है ये आपको फाइंड आउट करना होता है। तो जहां पे कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगी वो फोकल लेंथ हो जाएगी, एंड इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ लेंगे तो आपको पावर मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज हम करने वाले हैं। तो देखो, आपको देखोगे तो पावर उसने ऑलरेडी दे रखी है, 5 डायोप्टर है। इसका मतलब है जो इक्वेलेंट फोकल लेंथ होगा ये बेसिकली आपकी 20 सेंटीमीटर होगी। दिस विल बी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज 20 सेंटीमीटर फॉर मतलब इक्वेलेंट पावर जो आने वाला है वो आपके फोकल लेंथ जो आने वाला है वो 20 सेंटीमीटर आने वाला है। तो स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला यूज करेंगे, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई आर लिखेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको इन्फिनिटी पे लेनी है, तो ये वाला टर्म आपका जीरो हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे जो वी मिलेगी यही वी बेसिकली आपकी फोकल लेंथ होगी। सो यहाँ पे म्यू टू इज 4 बाई 3, सो 4 बाई 3 बाई एफ विच इज 20, इसको सब्सटीट्यूट कर ही देते हैं। सो दिस इज 20 एंड दैट इज इक्वल टू 4 बाई 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रेडियस। सो देयरफॉर यहाँ से रेडियस की वैल्यू आपको मिल रही है, दिस इज 20 डिवाइडेड बाई 4 एंड दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन YDAC एक्सपेरिमेंट द लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज पासेस थ्रू द डबल स्लिट फॉर्मड एंड फॉर्म्स इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑन अ स्क्रीन 1.2 मीटर्स अवे। तो कैपिटल डी दी हुई है, 1.2 मीटर्स है। इफ द डिफरेंस बिटवीन थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा एंड थर्ड ऑर्डर मिनिमा, ओके, सो वाई थर्ड मैक्सिमा माइनस वाई थर्ड मिनिमा, स्मॉल एम लिखते हैं, दिस इज फॉर मैक्सिमा, कैपिटल एम फॉर मैक्सिमा एंड स्मॉल एम इज फॉर मिनिमा। सो दिस हैज टू बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बीटा माइनस ऑफ बीटा बाई टू प्लस प्लस बीटा प्लस बीटा विच इज 5 बीटा बाई 2 एंड देयरफॉर दिस बिकम्स सिर्फ बीटा बाई 2। तो बीटा बाई 2 मतलब लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी बाई 2, और ये डिस्टेंस उसने दे रखा है 0.18 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये लिख सकते हैं हम, लैम्डा की वैल्यू विल बी डेल्टा वाई जो हमने यहाँ निकाला है इंटू 2d एंड डिवाइडेड बाई कैपिटल डी। सो डेल्टा वाई इज 0.18 सेंटीमीटर, मतलब 10^-2 हो जाएगा, एंड 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल डी है, सेपरेटेड स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.02 सेंटीमीटर। तो 0.02 × 10^-2 लिखेंगे एंड डिवाइड बाय कैपिटल डी, कैपिटल डी, कैपिटल डी अगेन वाज 1.2 मीटर, राइट। तो अभी एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं इसको, ये डेसिमल हटा देते हैं यहाँ से, ये डेसिमल हट जाएगा तो 4 1 3 आ जाएगा, तो 10^3 रहेगा यहाँ पे। सो दिस इज 2 2 4, 4 यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 6 × 10^-7, तो 600 नैनोमीटर इज द आंसर। 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड टू बॉम्बार्ड गैसेस हाइड्रोजन एटम एट ग्राउंड स्टेट, द एनर्जी लेवल अप टू विच द हाइड्रोजन एटम शुड बी एक्साइटेड इज, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एक चीज है, जैसे जब हम एटम का एक्साइटेशन करते हैं तो एक्साइटेशन करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि आप फोटॉन्स डाल के करते हैं, तो फोटॉन्स जब आप डालते हैं किसी एटम में, तो ग्राउंड स्टेट का एटम में, तो उस केस में वो फोटोन तभी अब्सॉर्ब होती है जब फोटोन की एनर्जी एक्जैक्टली इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ द 2 ऑर्बिट्स होती है, क्योंकि फोटोन जो है वो पार्ट शेयरिंग नहीं करती एनर्जी की। बट जब एक एटम का कोलिजन करवाते हैं आप किसी और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ, जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, तो उस केस में पार्टिकल पार्टिकल कोलिजन इन्वॉल्व है। तो पार्टिकल पार्टिकल कोलिजन में कुछ लॉस ऑफ एनर्जी होती है, एंड दैट लॉस ऑफ एनर्जी इज यूज फॉर एक्साइटेशन। तो एक्साइटेशन के लिए जो एनर्जी आनी चाहिए, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी बॉम्बार्डिंग पार्टिकल्स की होनी चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू
the energy difference, loss of kinetic energy जो होनी चाहिए, that should be greater than or equal to the energy difference between two orbits, ठीक है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम जो है, since इलेक्ट्रॉन बीम कह रखा है उसने दूसरा हाइड्रोजन एटम है, तो काइनेटिक एनर्जी का जब आप लॉस की बात करोगे तो आप इसको लिखोगे, जैसे दो पार्टिकल कोलिजन में आप करते हैं तो आप लिखते हैं हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे एम एम बाई एम प्लस एम इंटू वी रिलेटिव, मतलब वी माइनस ऑफ जीरो का स्क्वायर, मैं एटम को रेस्ट पे मान रहा हूँ, दिस इज जीरो इज फॉर एटम एंड वी इज फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉन एंड कैपिटल एम इज फॉर मास ऑफ एटम। क्लियरली आपको ये पता है कि कैपिटल एम जो है वो बहुत बड़ा है स्मॉल एम से, तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम को हम लोग ऑलमोस्ट कैपिटल एम मान सकते हैं, तो ये एक्सप्रेशन जो आएगी आपके पास ऑलमोस्ट, दिस इज ऑलमोस्ट हाफ एम इंटू वी स्क्वायर ओनली, बट इसलिए इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट सारा का सारा एनर्जी यहाँ पे क्या कर सकता है, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम लॉस की हम बात कर रहे हैं, दिस इज मैक्सिमम लॉस दैट कैन टेक प्लेस, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की लॉस हाफ एम वी स्क्वायर है, एंड दिस हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट्स, डेल्टा ई बिटवीन टू ऑर्बिट्स, ठीक है? तो बस आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि 12.5 जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो एनर्जी है वो किस दो ऑर्बिट के एनर्जी डिफरेंस के ऑलमोस्ट मतलब उससे बड़ा है। तो अगर मैं ऑर्बिट्स की अगर एनर्जी लेवल की बात करूं तो ये आपको सबको याद रखना चाहिए, दिस शुड बी रिमेम्बर्ड बाय एवरीबॉडी, जो नहीं याद रखते हैं तो उनकी उनको दिक्कत आएगा यहाँ पे। तो न्यूक्लियस है एन इक्वल टू वन, एन इक्वल टू टू, एन इक्वल टू थ्री, एन इक्वल टू फोर, कम से कम पांच लेवल का याद रखना चाहिए, बट एक बार देख लेते हैं कि हाँ किसके किसकी यहाँ पे अवेलेबल है। फर्स्ट लेवल की जो एनर्जी होती है ये होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड लेवल की जो एनर्जी होती है दैट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड लेवल की जो एनर्जी होती है दैट इज -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ लेवल की जो एनर्जी होती है दैट इज -0.85। तो अगर आप एनर्जी डिफरेंस देखोगे फर्स्ट एंड सेकंड का तो ये आएगा 13.6 से 3.4 सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो फर्स्ट से सेकंड का एक्साइटेशन हो सकता है। फर्स्ट एंड थर्ड का एनर्जी डिफरेंस अगर देखोगे तो आप 13.6 से 1.51 सब्ट्रैक्ट करो 12.09 व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये भी एक्साइटेशन हो सकता है क्योंकि 12.5 की एनर्जी है उसके पास। फिर अभी अगर यहाँ पे देखेंगे तो 13.6 से 0.85 सब्ट्रैक्ट करें तो ऑलमोस्ट 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए जो कि उसके पास है नहीं। इसका मतलब n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 पे ले जा सकते हैं और n इक्वल टू 2 3 पे ले जा सकते हैं, तो एनर्जी लेवल अप टू दी व्हिच दी हाइड्रोजन एटम शुड बी एक्साइटेड इज 3, तो n इक्वल टू 3 तक आप उसको एक्साइटेशन करवा सकते हैं। लेट r v एंड e बी दी रेडियस ऑफ ऑर्बिट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली इन हाइड्रोजन एटम, व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग क्वांटिटीज अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी इज प्रोपोर्शनल टू क्वांटम नंबर n। तो इसमें हम लोग डायरेक्टली जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है उसको यूज कर सकते हैं, तो r की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होती है, वेलोसिटी की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एन होती है, एंड एनर्जी की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एन स्क्वायर होती है। तो अब देख लो कि किसका प्रोडक्ट जो है वो आपका प्रोपोर्शनल टू क्वांटम नंबर n आता है। तो क्लियरली फर्स्ट ऑप्शन में देखो r इंटू v का जो प्रोडक्ट करोगे तो आपका प्रोपोर्शनल टू n आ जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसे मल्टीपल करेक्ट तो है नहीं, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन मैच करके आप बाकी चेक करने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ जाओ। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आए, इसमें पूछा है व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द डायोड इन द गिवन सर्किट। तो करंट अगर मुझे डायोड के थ्रू निकालना है, बस मुझे ये चेक करना पहले कि फॉरवर्ड बायस है रिवर्स बायस है, क्योंकि करंट फ्लो करेगा या नहीं पहले यही पता होना चाहिए। तो लेट अस टेक दिस पॉइंट टू बी एट जीरो पोटेंशियल, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे 9 वोल्ट हो जाएगा एंड यहाँ पे भी जीरो है तो यहाँ पे आपका 10 वोल्ट हो जाएगा। तो क्लियरली अगर आप देखोगे तो ये डायोड जो है वो रिवर्स बायस आ रहा है, क्योंकि डायोड का जो पी टाइप डायोड है इधर लेफ्ट हैंड साइड में एंड एन टाइप जो है वो आपका राइट हैंड साइड में, तो एन पी टाइप इज एट लोअर पोटेंशियल 9 वोल्ट एंड एन टाइप इज एट हायर पोटेंशियल 10 वोल्ट, तो इससे आपका रिवर्स बायस मिल रही है। एंड रिवर्स बायस आ गई, अगर रिवर्स बायस आ गई है तो इससे आपको पता चल रहा है कि ये आपका करंट फ्लो नहीं करने देगा, सो नो करंट मिलेगी, तो करंट नहीं आना चाहिए, तो 0 एम्पीयर आपका आंसर हो जाएगा। इसमें देखें ए और बी का कुछ लॉजिक दे रखा है, फॉर द गिवन लॉजिक सर्किट फॉर द आउटपुट वाई फॉर इनपुट्स ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 1 एंड ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 0 रेस्पेक्टिवली आर। तो पहले देख लेते हैं ए यहाँ पे है, फिर ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया यहाँ पे क्योंकि नॉट गेट लगा हुआ है, फिर यहाँ पे बी है और यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया, अब यहाँ पे एंड गेट है तो यहाँ पे ए इंटू बी बार आएगा और यहाँ पे ए बार इंटू बी आएगा एंड लास्ट में नॉर गेट और गेट है तो यहाँ पे ए बी बार प्लस ए बार बी लिखेंगे, दिस विल बी द फाइनल आउटपुट। एंड फाइनल आउटपुट देख के आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे ये अगर मैं ए की वैल्यू को अगर 0 डाल दूं और बी की वैल्यू को 1 डाल दूं तो 0 एंड 1 का कॉम्प्लीमेंट भी 0 हो जाएगा, तो 0 एंड प्लस 1 इनटू 1 तो ये आपका 1 मिलेगा। फर्स्ट कॉम्बिनेशन के लिए ये मिल रहा है, सेकंड कॉम्बिनेशन के लिए देख लें 0 0 चाहिए तो 0 फिर 0 का कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 फिर प्लस 0 का कॉम्प्लीमेंट मतलब 1
फिर जीरो, तो ये जीरो ही आएगा, तो वन और जीरो आपका आंसर होना चाहिए, तो ऑप्शन सी मैच करेगा. फ्रॉम डायमेंशनल एनालिसिस रिडक्स कांस्टेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मास एंड प्लैंक्स कांस्टेंट एज कंसिडर 1/4 pi epsilon naught = 1 unit. अब देखो ये बहुत ही डाइसी सा मतलब सिचुएशन हो गया है, क्योंकि उसने देखो यहाँ पे उसने क्लियरली बोल दिया आपको 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू को आपको 1 यूनिट लेना है. इसका मतलब कि आप एप्सिलॉन नॉट को डायमेंशनलेस यहाँ पे मान रहे हैं, राइट? इसमें इस क्वेश्चन में उन्होंने एप्सिलॉन नॉट को डायमेंशनलेस माना है. तो एप्सिलॉन नॉट को अगर डायमेंशनलेस माना है तो आप इसको डायमेंशनल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इसमें से चार ऑप्शन में से किसी का भी डायमेंशन अगर आप मैच कराने की कोशिश करोगे रिडक्स कॉन्स्टेंट से, तो आपका मैच नहीं करेगा. रिडक्स कॉन्स्टेंट तो आपको पता है डायमेंशन में क्या होता है, वो लेंथ इनवर्स होता है, याद है आपको? तो इसलिए इसमें से कोई भी ऑप्शन अगर आप देखोगे तो लेंथ का इनवर्स का डायमेंशन किसी भी ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? तो अब आपको क्या करना चाहिए, बस बेसिक थ्योरी से मतलब कि बोर्स पोस्टुलेट को यूज करेंगे, एंड बोर्स पोस्टुलेट को यूज करके हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन रिडक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमें दे सकता है. तो करना स्टार्ट करते हैं. तो पहली चीज है, अगर बोर्स पोस्टुलेट में फर्स्ट पोस्टुलेट यूज करें तो के जेड ई ये एटम के चार्ज के लिए, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर यूज कर रहे हैं, इनटू ई ये इलेक्ट्रॉन के लिए. So k q1 q2 by r square is equal to m v square by r. m is the mass of the electron, ठीक है? तो यहाँ से एक r कट जाएगा, and यहाँ से आपको k z e square is equal to मिल रही है m v r into v. v square को मैंने v into v लिख लिया, ठीक है? और ये m v r की वैल्यू आपको पता है बोर्स पोस्टुलेट से, this is n h by 2 pi. तो इसका मतलब यहाँ से मुझे velocity की वैल्यू मिल जा रही है. velocity is coming out to be k z into e square divided by n into h divided by 2 pi. तो ये वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई है. तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी अगर निकाले हम, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी हाफ एम इंटू वी स्क्वायर. मुझे देखो प्रोपोर्शनलिटी का फैक्टर भी चाहिए, बाकी कांस्टेंट को तो इसने बोल दिया, मतलब 1/4 pi epsilon naught को वैसे भी उसने बोल दिया 1 लेना है आपको. तो इसमें प्रोपोर्शनलिटी में अगर देखें तो ये प्रोपोर्शनलिटी में क्या मिल रही है आपको, दिस इज कमिंग आउट टू बी के तो 1 है, एंड जेड को, जेड का कोई डायमेंशन ही नहीं है तो जेड को हटा ही देते हैं. तो यहाँ पे प्रोपोर्शनली मिल रही है आपको ई स्क्वायर एंड सॉरी वेलोसिटी हाफ वी स्क्वायर करना पड़ेगा. तो ये ई स्क्वायर इंटू सॉरी एम इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच एंड इसका स्क्वायर करना पड़ेगा. तो ये आ जाएगी आपके पास एम टू द पावर 2 इंटू ई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर आ रही है. अब अगर काइनेटिक एनर्जी का ये डायमेंशन है तो ऑब्वियसली एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में होती है तो वो एनर्जी तो जस्ट काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, नेगेटिव का डबल होता है. एनर्जी इज नेगेटिव टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इसका जस्ट डबल होता है, 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी का जस्ट डबल. तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिलेगी एनर्जी सॉरी काइनेटिक एनर्जी का डबल नहीं होता है, काइनेटिक एनर्जी का जस्ट नेगेटिव होता है, मैंने यहाँ गलत बोल दिया. तो नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है. तो नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी जब आप लिखोगे तो जस्ट प्रोपोर्शनली कांस्टेंट तो चेंज नहीं होगी. तो इसका मतलब है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपकी प्रोपोर्शनली में क्या है आपके पास, दिस इज एम स्क्वायर इनटू ई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर आएगी, ठीक है? अब आपको अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पता है तो जब आप एनर्जी डिफरेंस भी अगर कैलकुलेट करोगे तो वो भी सेम प्रोपोर्शनलिटी फॉलो करेगी. मतलब डेल्टा ई जब आप निकालेंगे तो उसकी भी प्रोपोर्शनलिटी यही मिलेगी. डेल्टा ई क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि एनर्जी ऑफ फोटोन जब आप निकालते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन, तो उसी को आप डेल्टा ई बेसिकली से इक्वेट करते हैं, मतलब एनर्जी डिफरेंस ऑफ टू ऑर्बिट से, मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इन टू ऑर्बिट. जब आपके इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो उस केस में जो एनर्जी डिफरेंस होती है वही वो फोटोन के फॉर्म में रिलीज करता है. तो अब ये एनर्जी ऑफ फोटोन जब आप लिखोगे तो इसको क्या लिखते हैं आप, एच सी बाय लैम्डा लिखेंगे. तो अब 1/लैम्डा की वैल्यू यहां से मिल रही है आपको, दिस इज एनर्जी डिफरेंस एंड डिवाइडेड बाई एच सी मिलेगी, राइट? एंड 1/लैम्डा की वैल्यू को ही हम लोग क्या लिखते हैं, आर इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस ऑफ 1/n2 स्क्वायर. इसका मतलब है कि आर की वैल्यू जो आएगी रिडक्स कांस्टेंट, वो डायमेंशन में अगर देखोगे तो डायमेंशन में बेसिकली क्या मिल रही है आपको, डेल्टा ई डिवाइडेड बाई एच सी ही मिल रही है. आ रही बात समझ में आपको? तो डेल्टा ई बाई एच सी करना है आपको. तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको, दिस विल बी डेल्टा ई में हमने ऑलरेडी निकाला था, दिस वॉज एम स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई यहाँ पे एच क्यूब हो जाएगा एंड इंटू सी मिल जाएगा. क्लियर है सबको, समझ आ रही है? अब यहाँ पे चार ऑप्शन अगर आप देखोगे तो चारों ऑप्शन में से एक भी, अच्छा एक मिनट, स्क्वायर आ रहा है, हाँ एम काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम वी स्क्वायर करना था. अच्छा यहाँ पे गलती से मैंने देखा, यहाँ पे एम का भी स्क्वायर कर दिया है, ये गलत हो गया यहाँ पे, एक मिनट जैसे सकते, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मैंने m का स्क्वायर कर दिया, m को बाहर रखना था.
ये एन का पावर वन रहेगा, तो m इंटू ई टू द पावर फोर बाई एच क्यूब बाई सी आ रहा है, m ई टू द पावर फोर बाई एच स्क्वायर एक ऑप्शन में है बट बाकी किसी भी ऑप्शन से कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए मुझे जो लगता है कि उन्होंने क्या किया होगा, एनर्जी डिफरेंस को ही बेसिकली डायरेक्टली रेडबॉक्स कॉन्स्टेंट से रिलेट कर दिया होगा, तो इस बेसिस पे मैं इसको ऑप्शन बी मान रहा हूँ, बट एक्चुअली ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एच क्यूब आ रहा है डिनोमिनेटर में इंस्टेड ऑफ एच आ रहा है, इंस्टेड ऑफ एच एच क्यूब आ रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा ये डाइसी है, ये क्वेश्चन थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है, इसको देखते हैं बोर्ड क्या आंसर देते हैं, मुझे लगता है इसमें ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए बट अगर ग्रेस मार्क्स नहीं देंगे तो ऑप्शन बी को ही उन्होंने करेक्ट मार्क किया होगा। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, थ्री ब्लॉक्स आर पुश्ड विद अ फोर्स ऑफ एफ अलोंग अ फ्रिक्शनलेस टेबल एज शोन इन द फिगर, लेट एन वन बी द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन टू लेफ्ट ब्लॉक्स एंड एन टू बी द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द टू राइट ब्लॉक्स, देन अब एन वन एन टू और एफ को कंपेयर करना है। अब आपको ये पता है कि F जो है वो तीनों मास को एक्सेलरेट करा रही है और M1 और M और 2M के बीच में जो फोर्स होगा वो इस M और 2M का सिस्टम को एक्सेलरेट कराएगा, मतलब यहाँ पे जो 2M ये दोनों मासेस हैं इसको 5M लिख सकते हैं, इसको बेसिकली यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन N1 एक्सेलरेट करा रहा होगा, फिर और एक्सेलरेशन सबकी कॉमन है, और उसके बाद फिर लास्ट में अगर देखें तो जो 3M का मास है उसको M और 2M के बीच का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो एक्सेलरेट करा रहा है, तो F को तीनों को एक्सेलरेट कराना है, N1 को सिर्फ 5M को एक्सेलरेट कराना है और N2 को जो है वो 3M को एक्सेलरेट कराना है, और फोर्स प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मास होगा, तो इसलिए F ग्रेटर देन N1 ग्रेटर देन N2 हो जाएगा, सो F ग्रेटर देन N1 ग्रेटर देन N2 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, सारे बुक्स में ऑलमोस्ट होते हैं, ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड्स डाउन स्लाइड्स विद अ स्पीड ऑफ v ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ब्लॉक ऑफ मास m अ मासलेस स्प्रिंग विद अ कांस्टेंट k इज अटैच्ड टू द सेकंड ब्लॉक एज शोन इन द फिगर, द मैक्सिमम डिस्टेंस द स्प्रिंग गेट्स कंप्रेस्ड थ्रू इज, मैक्सिमम कंप्रेशन आपको निकालनी है, तो इसमें डायरेक्टली आप एनर्जी कंजर्वेशन, तो एक तो लंबा तरीका है जिसमें आप क्या करेंगे, पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे और उससे कॉमन वेलोसिटी निकालेंगे क्योंकि मैक्सिमम कंप्रेशन में दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी पहले सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी और बाद में काइनेटिक एनर्जी दोनों ब्लॉक के पास भी है एंड पोटेंशियल एनर्जी भी है सिस्टम में, तो वो दोनों का सम को इक्वेट करके फिर कैलकुलेट करोगे इससे आंसर आ जाएगा, बट इससे बेटर तरीका है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कैलकुलेट करने में, तो इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम अगर आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम अगर लिखते हैं तो वो आती है हाफ ऑफ m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 plus m2 इनटू v रिलेटिव का स्क्वायर आता है, तो ये काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में होती है। अब आपको ये पता है कि सेंटर ऑफ मास अनएक्सेलरेटेड है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मतलब सेंटर ऑफ मास की जो एनर्जी है वो चेंज नहीं करेगी, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में भी जब अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं तो वो इक्वली वैलिड होगी क्योंकि सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी खुद चेंज नहीं कर रही है, तो इसीलिए अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन डायरेक्टली सेंटर ऑफ मास फ्रेम में लगाएं तो आपको पता है एट मैक्सिमम कंप्रेशन दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू v2 होगी, तो देयरफॉर v रिलेटिव फाइनली आपकी जीरो हो जाएगी, और पहले तो v रिलेटिव v है, तो इसका मतलब आप इस एनर्जी कंजर्वेशन अगर लिखते हैं तो हाफ ऑफ म्यू मतलब m m/2m into v relative which is v minus 0 ka square and that has to be equal to baad mein half of k x square and plus 0 kyunki v relative to 0 hai to yahan se agar aap dekhoge to v ki value aapko mil ja rahi hai this is root under m/2k and into v x max chahiye tha aapko this is x to ye x ki value accordingly aa jayegi to m/2k ka root into v aa jayega yahan se the acceleration versus distance graph for a particle moving with initial velocity 5 m/s is shown in the figure. The velocity of the particle at x equal to 35 will be. आपको x equal to 35 पे velocity निकालनी है. अब कैसे निकालेंगे इसकी बात करते हैं. आसान तरीके से कैसे करें? ये acceleration position का graph दे रखा है. अगर मैं इसके साथ अगर mass multiply कर दूँ, तो ये quantity क्या हो जाएगा? Force position graph हो जाएगा. अब अगर force position graph हो गया, तो force position graph का area क्या देता है? हमें work done. तो force position graph का area work done देता है और हमें acceleration position graph का area चाहिए. तो इसका मतलब है कि हमें वो क्वांटिटी मतलब इस ग्राफ का अगर एरिया कैलकुलेट कर ये वाली एरिया को अगर कैलकुलेट कर ले तो ये वाली एरिया जो है दिस एरिया विल गिव यू द वर्क डन पर यूनिट मास क्यों क्योंकि फोर्स का ग्राफ तो हमें नहीं दिया हुआ है हमें तो एक्सेलरेशन का दिया हुआ है तो फोर्स के साथ मास को मल्टी डिवाइड करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा तो वर्क डन पर यूनिट मास मिल जाएगा एंड दैट इज बेसिकली द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास कर लेंगे दैट्स इट अब यही करना है आपको सो इसका एरिया निकाल लेते हैं एरिया में एक ट्रेपीजियम है
और सिंपली एक रेक्टेंगल की तरह देख लेते, तो दिस विल बी हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सो 5 प्लस 10 इज 15 इनटू सेपरेशन व्हिच इज 20 एंड प्लस एक रेक्टेंगल दिख रहा है हमें, हाइट है उसका 10 एंड बेस है 30 माइनस 20 व्हिच इज 15 एंड दैट हैज टू बी इक्वल टू हाफ एम इनटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो वी हमें निकालना है एंड यू आपको दे रखा उसने 5 है तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे, तो यहाँ से ये तो आपका कट जाएगा यहाँ से, तो ये पे आपको मिलेगा 15 इंटू 10 30 300 हो जाएगा एंड यहाँ से भी आपको मिल रहा है 15 इंटू 10 150 प्लस 150 300 से 2 मल्टीप्लाई किया 600 एंड मास, तो अच्छा मास से डिवाइड भी करना है, तो ये मास गया तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 600 आ रहा है, 600 इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 25, तो वी क्लियरली आपको दिख रहा है वी स्क्वायर 625 आ रहा है, तो वी की वैल्यू 25 आ रही है। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल बॉल ऑफ मास m अटैच्ड टू अ मासलेस स्ट्रिंग हैंगिंग वर्टिकली फ्रॉम द सीलिंग इज ऑसिलेटिंग इन सच विद एन एम्पलीट्यूड सच दैट टी मैक्स इक्वल टू टी मिन, वेयर टी मैक्स एंड टी मिन आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन इन दिस स्ट्रिंग रेस्पेक्टिवली, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टेंशन इन दिस स्ट्रिंग इज, ओके इसकी इसके लिए यहाँ पे अगर यहाँ पे आप एक ऑसिलेटिंग बॉब सिस्टम दिखाते हो यहाँ पे, तो जहां पे वेलोसिटी जीरो आपको पता है कि वहां पे ही आपका क्या होगा, टेंशन आपका मिनिमम होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन नहीं है, तो mg का जो कंपोनेंट इस तरफ आएगा दैट विल बी mg cos थीटा एंड यहाँ पे टेंशन आएगी आपकी मिनिमम टी मिन, बट जब आप बॉटम मोस्ट पोजिशन पे पहुंचोगे तो यहाँ पे वेलोसिटी हो चुकी होगी वेलोसिटी एंड यहाँ पे जो टेंशन होगा ये मैक्सिमम होगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे mg डाउनवर्ड्स है एंड यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो v स्क्वायर बाय l का ऊपर की तरफ है, तो टी मैक्स की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी आपकी mg प्लस m इनटू v स्क्वायर बाय l, वो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की वजह से। अब v स्क्वायर की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन से, ये हाइट आपका h दिख रहा है आपको, ये h की वैल्यू इज l इनटू 1 माइनस cos थीटा, तो जो वेलोसिटी होगा दैट विल बी रूट अंडर 2gh, तो इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें तो दिस विल बी mg प्लस m इनटू m बाय l इनटू 2g l into 1 minus of cos theta, यहां से l l cancel out हो गया और यहां से mg common out कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 plus 2 3 minus of 2 cos theta, ये tension की maximum value हो गई है and therefore this value is twice of mg cos theta करना है, क्योंकि t max is 2 times of t min उसने कह रखा है, तो mg into 3 minus of 2 cos theta is equal to 2 times of mg cos theta, this is given quantity, तो यहां से mg gets cancel out एंड यहां से देखोगे तो आपके पास cos थीटा की वैल्यू आ रही है 3/4 आ रही है, सो देयरफॉर t max की वैल्यू उसने पूछी थी, तो t max की वैल्यू इज 2 टाइम्स ऑफ mg cos थीटा, सो 2 टाइम्स ऑफ mg into 3/4 कर लेंगे, तो यहां से ये 2 से कट जाएगा तो 3mg/2 आंसर हो जाएगा, 3mg/2 आपके आंसर आएगी। इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वेरिएशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कभी चेंज ही नहीं करती, दिस इज कांस्टेंट, और कोई भी चीज कांस्टेंट है तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन होनी है, अगर ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो ऑप्शन बी मैच करेगा। अ यूनिफॉर्म थिन रॉड ऑफ लेंथ l मास m इज लाइंग ऑन अ स्मूथ टेबल व अ हॉरिजॉन्टल इंपल्स p इज सडनली अप्लाइड परपेंडिकुलर टू रॉड एट वन एंड, द टोटल एनर्जी ऑफ रॉड आफ्टर इंपल्स इज, सो आपने यहां पे एक इंपल्स अप्लाई किया j व्हिच इज p उसने कह रखा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसके सेंटर ऑफ मास को एक वेलोसिटी v मिल जाएगा और एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी मिल जाएगा। अब इसमें आप सिंपली आप मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम इंपल्स एंगुलर इंपल्स थ्योरी एंड लीनियर मोमेंटम लीनियर इंपल्स थ्योरी, मतलब जो लीनियर इंपल्स है दैट विल बी चेंज इन लीनियर मोमेंटम लगाएंगे, तो j इज इक्वल टू p एंड दैट विल बी इक्वल टू mv लिख सकते हैं, तो यहां से आपको v की वैल्यू मिल गई है j by या rather p by m लिख सकते हैं इसको, तो p डिवाइडेड बाय m आ जाएगा, ये पहली इक्वेशन हो गई है। दूसरी, अब एंगुलर इंपल्स निकालेंगे, तो लीनियर इंपल्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से कितना है, l by 2 है, ये वाली डिस्टेंस आपकी क्लियरली दिख रही है आपको l by 2 है, तो j into l by 2 ये एंगुलर इंपल्स हो गई एंड दैट इज बी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, तो ये हो जाएगी आपकी m l square by 12, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में आपने लिखा है, तो m l square by 12 into ओमेगा कर लेंगे, तो यहां से ये l और ये l कैंसिल आउट हो गया, ये 6 कैंसिल आउट हो गया, यहां से आपको ओमेगा की वैल्यू मिल गई है, दिस इज 6 j by या 6p लिख सकते हैं आप यहाँ पे, j की वैल्यू p है, तो 6p डिवाइडेड बाय m into l आ जाएगा, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई है। एंड उसने टोटल एनर्जी बोला है, तो एनर्जी जब आप निकालेंगे तो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन करेंगे, तो ट्रांसलेशन के लिए आप हाफ एम वी स्क्वायर करोगे एंड रोटेशन के लिए आप हाफ आई ओमेगा स्क्वायर करोगे, तो वी की वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट कर ही देते हैं यहाँ से, तो वी की वैल्यू इज पी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर हो जाएगा
एंड हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा आई इज एम एल स्क्वायर बाई 12 एंड ओमेगा स्क्वायर मतलब 36 पी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर एल स्क्वायर कर लेंगे. तो यहाँ से ये 12 इंटू 3 कट जाएगा, यहाँ से एक एम कट गया, यहाँ से एल स्क्वायर कट जाएगा एंड ये आ रही है आपके पास एम बाई 2, नहीं एम बाई 2 नहीं होगा, पी स्क्वायर बाई 2 एम आएगा, पी स्क्वायर बाई 2 एम को बाहर निकाल लिया एंड ये 1 प्लस 3 आ रही है, तो 1 प्लस 3 तो 4 हो जाएगा, तो ये 2 पी स्क्वायर बाई एम आ जाएगा. तो ये आंसर हो जाएगा. सेंटर ऑफ मास ऑफ थ्री पार्टिकल सिस्टम 1 केजी 2 केजी 3 केजी लाइज एट द पॉइंट 1 2 3. ओके, तो इसको डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 मिला के कितना हो गया 6 केजी हो गया. ठीक है, तो दिस इज 6 केजी. तो यहाँ पे एक 6 केजी का मास है और इसकी कोऑर्डिनेट्स दे रखी है उसने 1 2 3 है. ठीक है, एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ अनदर पार्टिकल सिस्टम ऑफ 3 2 3 2 मिला के 5 केजी है, तो ये 5 केजी का मास है, दिस इज 3 प्लस 2. ठीक है, एंड इसकी कोऑर्डिनेट्स दे रखी है -1 3 -2. And उसके बाद उसने क्या रखा, where should we put a particle of mass 5 kg so that the center of mass of entire system lies at the center of mass of the first system. Okay, तो यहाँ पे मुझे एक और 5 kg रखनी है, इसकी coordinates x, y, z नहीं पता हमें, but उसने ये बोल रखा है कि इन दोनों का combined mass का center of mass 6 kg पे lie करता है. तो एक चीज क्लियरली पता चल रही है कि डायग्राम देख के पता चल रही है कि ये वाली जितनी डिस्टेंस होगी अगर r, तो ये डिस्टेंस भी सेम होना पड़ेगा क्योंकि इसके रिस्पेक्ट 6 केजी मास के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ आइडेंटिकल मासेस रखे हुए हैं. तो पहले मैं क्या करता हूँ कि 6 केजी एंड 5 केजी के बीच का जो डिस्टेंस है वो निकाल लेता हूँ और वो डिस्टेंस देख लूंगा मैं किससे मैच करता है. ठीक है, तो ये आर की वैल्यू आ रही है रूट अंडर ऑफ 1 - 1 मतलब 2 का स्क्वायर, फिर 2 - 3 मतलब -1 का स्क्वायर एंड प्लस 3 - 2 मतलब 5 का स्क्वायर. तो यहां से आ जाएगा आपके पास रूट अंडर 30 आना चाहिए. तो रूट अंडर 30 डिस्टेंस जिसमें भी मैच करेगा वही आंसर आपका होना चाहिए. तो अब एक्स वाई जेड जो है एक बार हिट एंड ट्रायल कर लेते हैं, ये सबसे आसान तरीका होगा, एक बार तुरंत से देख लेते हैं, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा नहीं. तो इसको बस मुझे यहाँ पे इसको बस मुझे इस डेटा के साथ कंपेयर करना है. ठीक है, इसको इसके साथ कंपेयर करना है, फिर एक बार इसके साथ कंपेयर करना है. तो एक एक करके कंपेयर करते हैं. तो पहले इधर से करते हैं, तो यहां से मिलेगा 3 - 1 का स्क्वायर प्लस 1 - 2 का स्क्वायर प्लस 8 - 3 का स्क्वायर. तो यार ये क्लियरली दिख रहा है आपको, देखो 30 आ रहा है और इसका मतलब है कि ये एग्जैक्टली क्या हो गया, मैच कर गया, इसका मतलब ऑप्शन ए होगा. एक मैच कर ही गया तो दूसरा चेक करने का जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि बाकी में मैच नहीं करेगा, मल्टीपल चॉइस करेक्ट नहीं है. अ बॉडी ऑफ डेंसिटी 1.2 इनटू 10 टू द पावर 3 इज ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 मीटर ऑनटू अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 2.4. अच्छा, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ट्वाइस ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड. ठीक है, नेग्लेक्टिंग ऑल डिसिपेटिव इफेक्ट्स द मैक्सिमम डेप्थ टू व्हिच द बॉडी सिंक्स before returning to float on the surface is okay. अब इसको देखो, एक चीज बहुत ही आसानी से हो जाएगा ये. जैसे इसमें अगर हम देखें तो acceleration जो आएगी वो g आएगी. ठीक है, ये acceleration को a1 लिख लेते हैं. acceleration g आएगी नीचे की तरफ, क्यों? क्योंकि सिर्फ weight ही add कर रहा है air में. But liquid के अंदर अगर आप enter करवाते हो उसको, तो liquid के अंदर अगर ये enter करता है, यहाँ पे तो ठीक है सिर्फ mg add कर रहा है, but इसके अंदर enter करेगा तो ये upthrust भी add करेगा and mg भी add करेगी. Interestingly, since अपथ्रस्ट निकालने के लिए आपको डेंसिटी ऑफ लिक्विड से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डेंसिटी ऑफ लिक्विड डबल है सॉलिड का डेंसिटी का, इसका मतलब ये पक्का है ट्वाइस ऑफ mg ऊपर की तरफ आएगा. इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है a2, ये भी आपका g ही है नीचे की तरफ. इसका मतलब कि ये हुआ कि ये ऑब्जेक्ट जितना वेलोसिटी ये गेन कर चुका होगा 1 मीटर गिरने पे, 1 मीटर से गिराया था आपने इसको, तो 1 मीटर गिरने पे ये जितनी वेलोसिटी गेन कर चुका होगा Vmax, फिर वो लिक्विड के अंदर एंटर करने के बाद एग्जैक्टली जब 1 मीटर एंटर करेगा तब इसकी वेलोसिटी वापस से जीरो हो जाएगी. तो ये तो तुरंत से हिट एंड ट्रायल, ये मतलब ये तुरंत से बिना किसी कैलकुलेशन का ही आपको दिख गया यहाँ से. तो ये जो है मैक्सिमम डेप्थ आएगा दैट विल बी बेसिकली 1 मीटर ओनली, तो 1 मीटर इसका आंसर होना चाहिए. अदरवाइज अगर ये इतने अच्छे डेटा नहीं दिए होते तो फिर आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के भी कर सकते थे, मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय अपथ्रस्ट शुड बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी जीरो. mg पूरे डिस्टेंस में वर्क करेगा, मतलब हाइट ऊपर का एंड डेप्थ नीचे का उसमें पूरे में वर्क करेगा, बट अपथ्रस्ट सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले पार्ट में वर्क करेगा एंड दैट सम ऑफ वर्क शुड बी इक्वल टू जीरो. उससे करोगे तो भी आंसर यही आएगा. तो यहाँ पे आपका मैंने जल्दी से करके दिखा दिया. Two solid spheres S1 and S2 of same uniform density fall from rest under gravity in a viscous medium and after some time reach terminal velocities V1 and V2. The ratio of masses are M1:M2 is 8, V1:V2 will be. Okay. Mass आपको पता है proportional to radius होगा. इसका मतलब radius का ratio आपको मिल गया R1:R2. ये आपको मिल चुका है. कहाँ गया? Radius की ratio आ गई आपके पास. This is मास प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होगा, वॉल्यूम का प्रोपोर्शनल होता है तो आर क्यूब आएगा. तो आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे रेडियस अगर डबल होगा तो मास आपका 8 टाइम्स हो जाएगा, तो R1:R2 आपका 8 है, 2 है बेसिकली.
फिर उसने क्या रखा है, टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो आपसे पूछा है, तो टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो आपको मतलब रेडियस के टर्म्स में पहले आप रिलेट करोगे तो उसकी वैल्यू पहले आपको जाननी है, तो वो कितनी आएगी, तो टर्मिनल वेलोसिटी की जो वैल्यू आती है वो प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर होता है, स्क्वायर ऑफ रेडियस आती है। तो टर्मिनल वेलोसिटी अगर प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस है, इसका मतलब अगर मैं v1:v2 अगर निकालूं तो ये बेसिकली 4:1 आ जाएगा, तो ये सिंपली आपका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, जस्ट अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं। इन द गिवन फिगर 1 represents isobaric, 2 represents isothermal and 3 represents adiabatic process for an ideal gas. If delta U1, delta U2 and delta U3 be the changes in internal energy in these processes respectively, then ठीक है। अब इसमें उसने ये नहीं बताया है कि गैस को आप एक्सपैंड कर रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि एरो मार्क्स नहीं दिखा रखे हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे ये एक्सपेंशन का ही केस है, क्योंकि एक ही स्टेट से स्टार्ट करके फिर 3 अलग अलग प्रोसेस में उसको लेके गए। तो इसमें अगर आप देखोगे तो क्लियरली अगर मैं ये तो आइसोथर्म है हमारा नंबर 2 वाला, तो अगर मैं आइसोथर्म्स और ड्रॉ करूं जो एक इस गिवन आइसोथर्म के थोड़ा ऊपर हो और तो थोड़ा नीचे हो, तो ये हायर आइसोथर्म हम ड्रॉ कर रहे हैं मतलब विथ रिस्पेक्ट टू 2, और एक और आइसोथर्म हम ड्रॉ कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू 2 लोअर आइसोथर्म ड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर 2 वाले आइसोथर्म से अगर हम इसको कंपेयर करें, तो ये वाले आइसोथर्म का टेम्परेचर अगर मैं T1 मान रहा हूँ, ये वाले का टेम्परेचर T2 मान रहे हैं, और ये वाले का टेम्परेचर T3 मान रहे हैं, तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि T1 विल बी ग्रेटर देन T2 एंड दैट विल बी ग्रेटर देन T3 होगा, राइट? तो और आपको आपको क्या करना है, कंपैरिजन ऑफ डेल्टा यू नहीं करनी है, तो डेल्टा यू प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डेल्टा टी होगा। तो डेल्टा टी आपका फर्स्ट प्रोसेस में अगर आप जाओगे तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर चेंज मिलेगा, सेकंड में तो कोई टेम्परेचर चेंज है ही नहीं, एंड थर्ड में टेम्परेचर चेंज आएगी वो नेगेटिव आएगी, तो ऑब्वियसली डेल्टा U1 इज ग्रेटर देन डेल्टा U2 एंड डेल्टा U2 इज ग्रेटर देन डेल्टा U3 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन डी मैच करेगा। फिर इफ द प्रेशर ऑफ रियल गैस O2 इन अ कंटेनर इज गिवन बाय P इक्वल टू सर्टेन रिलेशन दे रखा है, देन मास ऑफ गैस इन द कंटेनर पूछा है, तो इसको एक बार रीअरेंज कर लेते हैं, हम जो नोन फॉर्म है उसमें रीअरेंज कर लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं P - A/4b² एंड दैट इनटू 2v - अच्छा इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2 को कॉमन आउट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा v - ½b एंड दैट इज इक्वल टू RT। तो ये हाफ को हम लोग इधर से उठा के उधर लेके चले जाते हैं, तो हाफ RT। अब ये क्लियरली दिख रहा है कि आपको जो नंबर ऑफ मोल्स आपको मिल रही है, नंबर ऑफ मोल्स ये आपको हाफ मिल रही है, एंड देयरफॉर जो मास मिलेगा आपको वो हाफ ऑफ 32 मतलब 16 ग्राम्स मिलेगा, तो 16 ग्राम आपका आंसर होगा। 300 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज मिक्स्ड टू 100 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज, ओके पहले ये नहीं पता आपको कि पूरा का पूरा आइस मेल्ट मतलब आइस मेल्ट करेगा या नहीं, वो देख लेते हैं कि आइस को मेल्ट कराने के लिए कितनी हीट चाहिए, डेल्टा क्यू रिक्वायर्ड टू मेल्ट, पूरा मेल्ट करने के लिए कितना चाहिए, 8 ml करते हैं, तो मास आपको 100 ग्राम दिया हुआ है, इसके साथ 80 कैलोरी पर ग्राम मल्टीप्लाई कर लिया तो 8000 कैलोरी का हीट का रिक्वायरमेंट है, बट डेल्टा क्यू मैक्सिमम कितना रिलीज कर सकता है, वो रिलीज कितना कर सकता है जब अगर वाटर 25 से 0 पे पहुंच जाए, तो मास इज 300 ग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 25, तो ये आ रही है आपके पास 7500 कैलोरी ही आ रही है, तो क्लियरली आपको दिख रही है कि एंटायर आइस विल नॉट मेल्ट, एंटायर आइस वोंट मेल्ट, और अगर पूरा मेल्ट करेगा ही नहीं, इसका मतलब टेम्परेचर आपका फाइनल टेम्परेचर जो होगा वो कितना होगा आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाएगा, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी द फाइनल आंसर। द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस ए इन एक्स वाई प्लेन इज शोन इन द फिगर, द वैल्यू ऑफ द कोऑर्डिनेट एम विल बी, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैक्सिमम आती है वो रेडियस की 1/√2 टाइम्स पे आती है, मैक्सिमम 1/√2 टाइम्स आती है, तो ये अगर देखोगे तो उसने मैक्सिमम एट लिख लेते हैं, मैक्सिमम एट r/√2 आती है, तो यहाँ पे उसने z/a का वैल्यू पूछा है और r को a दे रखा है, तो z/a की वैल्यू जो m मार्क कर रखी है उसमें 1/√2 आ जाएगा, तो दैट विल बी 1/√2। अ मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r कैरिंग चार्ज q इज सराउंडेड बाय अ थिक कंसेंट्रिक मेटालिक शेल ऑफ इनर एंड आउटर रेडियाई a एंड b रेस्पेक्टिवली, ओके ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे लोगों ने गलती करी होगी, मेरी एक्सपेक्टेशन यही है बहुत सारे लोगों ने गलती करी होगी। ये रेडियस आर का है
दिस इज ए, दिस इज बी, एंड ये वाला पार्ट आपका शेल है, मतलब ये पूरा का पूरा एक सिंगल कंडक्टर है, ठीक है। अब उसने कह रखा है यहाँ पे कि इसमें हमने अंदर वाले मेटल स्फीयर पे चार्ज क्यों दे रखा है और बाहर वाला जो शेल है वो हमारा अनचार्ज है, बट इंडक्शन से यहाँ पे कुछ एक माइनस क्यू आ जाएगा एंड यहाँ पे प्लस क्यू आ जाएगा। फिर उसके बाद उसने क्या रखा है, द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर व्हेन द आउटर सरफेस ऑफ द शेल इज ग्राउंडेड। आउटर सरफेस ऑफ शेल ग्राउंडेड करो इनर सरफेस करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पूरा का पूरा शेल जो होगा वो इक्विपोटेंशियल हो जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमने इसको ग्राउंड कर दिया, बट इसको ग्राउंड करने से क्या होगा कि इस शेल की पोटेंशियल जीरो हो जाएगी। शेल की पोटेंशियल जीरो होने का मतलब क्या है कि अगर मैं इन्फिनिटी से शेल तक अगर चल के आऊं तो मुझे कोई वर्क नहीं करना है, और अगर वर्क नहीं करना है तो इसका मतलब बेसिकली फील्ड कुछ नहीं मिलना चाहिए आपको। तो फील्ड तभी नहीं मिलेगा जब बाहर के सरफेस पे कोई चार्ज नहीं दिखेगा, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट से आपको ये पता है कि अंदर वाले मतलब एक कंडक्टर के अंदर में जो चार्जेस होते हैं वो बाहर के रीजन में कोई फील्ड नहीं क्रिएट करते हैं। इसका मतलब ये दोनों जो चार्जेस है, ये दोनों चार्जेस मतलब अंदर के जो चार्जेस है वो दोनों बाहर में फील्ड क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो बाहर में जो फील्ड क्रिएट कर रहा है वो यही वाला क्रिएट कर रहा है। तो इस चार्ज को बेसिकली आपको जीरो बनाना पड़ेगा। तो ये वाला पूरा का पूरा चार्ज जो है बेसिकली क्या होगा, ये पूरा का पूरा चार्ज ये बेसिकली इस अर्थ के थ्रू फ्लो करके अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे चार्ज क्यू अंदर की तरफ फ्लो करके चली गई है, समझ आ रही है। तो क्यू फ्लोन अगर मैं बात करूं, क्यू फ्लोन बात करें तो ये आपका क्यू अंदर की तरफ चला गया, मतलब अर्थ में क्यू फ्लो करके आप ये बोल सकते हैं। तो फाइनल चार्ज आउटर सर्फेस पर जो दिखेगा वो आपको जीरो दिखेगा। अब आपको उसने पूछा है कि सेंटर पे पोटेंशियल कितनी होगी, तो पोटेंशियल एट सेंटर अगर निकालोगे तो दो दो चार्ज के लिए बेसिकली आपको निकालनी है, एक है प्लस क्यू जो इनर स्फीयर पे है एंड माइनस क्यू जो इनर सरफेस ऑफ द शेल पे है। तो आपको लिखना है, तो आपको पता है कि जब हम इनर पॉइंट पे एक स्फीयर या शेल उसके इनर सरफेस पे जब हम पोटेंशियल लिखते हैं तो जो उसका सरफेस का पोटेंशियल इंडिविजुअल सरफेस की वजह से लिखते हैं तो वही आपकी इनर सरफेस पे भी पोटेंशियल होगी। तो इसका मतलब है पहले जो स्फीयर है उसकी वजह से लिखते हैं, तो ये लिखेंगे के क्यू डिवाइडेड बाई कैपलर। फिर अब माइनस क्यू वाला जो शेल है उसकी वजह से लिख रहे हैं, तो दैट विल बी के इनटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय ए हो जाएगा। तो 1 बाय आर माइनस ऑफ 1 बाय ए, ये ऑप्शन सी में, तो यही आंसर हो जाएगा। थ्री इनफाइनाइट शीट्स कैरिंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा प्लस टू सिग्मा फोर सिग्मा आर पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन एट वाई इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू थ्री ए, वाई इक्वल टू फोर ए, ऐसा सिचुएशन देखा। दिस इज वाई इक्वल टू ए, दिस इज वाई इक्वल टू 2a, this is y equal to 4a, अच्छा this is 3a, and इसके बाद electric field at point 0, 2a, 0 पूछा है उन्होंने, मतलब यहाँ पे field पूछ रहा है। This is minus sigma, this is plus 2 sigma, and this is plus 4 sigma. तो positive charges तो repel करेंगे and negative charge attract करेगा, तो net field आपका नीचे की तरफ ही आएगा। तो ये net field आएगी, तीनों का सम हो जाएगा क्योंकि negative charge भी नीचे की तरफ ही field create करेगा and positive वाला दोनों भी नीचे की तरफ field create करेगा। तो ये हो जाएगा sigma प्लस टू सिग्मा प्लस फोर सिग्मा एंड डिवाइडेड बाई टू एप्सिलॉन नॉट, मतलब सेवन सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब क्या हो गया, माइनस ऑफ जे कैप हो गया, सेवन सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन माइनस जे कैप, ये ऑप्शन बी मैच करेगा। टू पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू वन एंड प्लस क्यू टू आर प्लेस एट अ फाइनाइट डिस्टेंस डी अपार्ट, इट इज डिजायर्ड टू कीप अ थर्ड चार्ज क्यू थ्री इन बिटवीन टू टू चार्जेस सो दैट क्यू थ्री इज इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पे प्लस क्यू वन है, यहाँ पे प्लस क्यू टू है, अब यहाँ पे आपको एक क्यू थ्री रखनी है और आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, इक्विलिब्रियम पे रखना है इसको। तो इसकी चार्ज से पोलैरिटी से कोई मतलब नहीं है, जैसे मान लेते हैं कि सपोजली इफ दिस वाज अगर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ये मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज होता, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो क्यू वन उसको रिपेल करता, ये एफ वन होता मतलब एफ वन का लगाया हुआ है, और क्यू टू भी उसको रिपेल करता तो ये उसको इधर रिपेल करता, तो ये दोनों कैंसिल कर जाता एंड फिर अपना इक्विलिब्रियम में आ जाता। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो Q1 उसको अट्रैक्ट करता F1 की मैग्नीट्यूड के फोर्स से ही, और Q2 उसको अट्रैक्ट करता अपनी तरफ और वो भी F2 के मैग्नीट्यूड से, और उसके बाद ये दोनों कैंसिल हो जाता तो फिर आपका इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता। तो Q3 की पोलैरिटी से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है Q3, बस इंपॉर्टेंट ये है कि लोकेशन कहाँ पे आना है वो इंपॉर्टेंट है, तो ये तो पूछा नहीं है उसने, तो इसलिए इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन ऑफ Q3 ये आपका आंसर सेम होगा। कंसिडर टू इनफाइनिटली लॉन्ग पैरेलल वायर्स long wires parallel to z-axis carrying same current I in positive z-direction. One wire passes through point L at coordinates minus 1, 1 and the other wire passes through the coordinates M at minus 1, minus 1. The resultant magnetic field at point O will be. This scenario is like this. Here,
ये बेसिकली कुछ ऐसा है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बेसिकली 45 डिग्री वाले लाइन पे ही लाई करेंगे, ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे करंट कैरिंग वायर है और इसके ठीक नीचे यहाँ पे भी करंट कैरिंग वायर है, इसको I1 कह लेते हैं और इसको I2 कह लेते हैं। तो I1 की वजह से जो फील्ड होगा वो इसके चारों तरफ ऐसे सर्कुलेट करेगा, मतलब I1 के चारों तरफ सर्कुलेटिंग फील्ड लाइंस होंगे, तो यहाँ पे वो इस लाइन के अलॉन्ग हो जाएगा, तो दिस विल बी B1। फिर I2 की वजह से जब आप फील्ड कैलकुलेट करोगे तो उसकी वजह से सर्कुलेटिंग फील्ड होगा ऐसे चारों तरफ, मतलब राइट हैंड कर्ल रूल यूज करेंगे तो ऐसे कर्ल यूज करेंगे, तो यहाँ पे ये B2 आ जाएगा। एंड सिंस B1 B2 दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि करंट भी सेम है डिस्टेंस भी सेम है, तो B1 B2 सेम है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालोगे तो ऊपर की तरफ ही आ जाएगा। तो B1 और B2 अगर मैंने सेम माना है, B1 और B2 को मैं अगर B मान लेता हूं, लेट्स से दिस इज B, देन B नेट अगर निकालेंगे तो इन दोनों के बीच में देखो एंगल 90 डिग्री है, तो B नेट ऊपर की तरफ आएगी एंड दैट विल बी रूट टू टाइम्स ऑफ B हो जाएगा। एंड रूट टू टाइम्स ऑफ B अगर निकालते हैं तो रूट टू टाइम्स ऑफ म्यू नॉट इंटू I डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस रूट टू है, क्लियरली दिख रहा है 1 1 कोऑर्डिनेट्स है, तो ये रूट टू हो जाएगा, तो ये आपके कट जानी है म्यू नॉट I बाय 2 पाई एंड ये जे कैप के डायरेक्शन में, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। A thin charge rod is bent into the shape of a small circle of radius r. The charge per unit length of the rod is lambda. The rod is rotated about its axis with a time period t and found that the magnetic field at a distance d, d is very much larger than r from the center and on the axis varies as r to the power m and d to the power n, the value of mn nikalni hai. Okay. Ye hamara ring hai. Aur is ring ko hum aise angular velocity omega se agar ghumaye, इसमें पूरे में चार्ज दे रखा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें क्या होगा, एक करंट जनरेट हो जाएगा यहाँ पे, इसमें चार्ज अगर क्यू मान रहे हैं तो इसमें इक्विवेलेंट आप ऐसे मान सकते हैं कि एक करंट जनरेट हो गई है, और वो जो करंट है उसकी वैल्यू अगर निकालनी तो चार्ज पर यूनिट टाइम पीरियड कर लो, तो क्यू बाई टी कर लें, तो क्यू बाई टी करोगे इसका मतलब क्यू बाई 2 पाई बाई ओमेगा कर लेंगे, ठीक है। क्यू की वैल्यू आपको निकालनी है तो इसको आप लिख सकते हैं लैम्डा इंटू 2 पाई आर, क्योंकि वो सब डेटा आपको दे रखे हैं, इंटू ओमेगा एंड डिवाइड बाई 2 पाई कर लिया, ठीक है। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इसकी वजह से एक्सिस पे, तो यहाँ पे अगर मैं एक्सिस का एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ, आपको पता है कि अगर एक्सिस का पॉइंट अगर बहुत दूर है तो ये कॉइल आपको एक छोटा सा कॉइल अपीयर होगा, एंड छोटे से कॉइल को आप क्या कर सकते हैं, एक बार मैग्नेट की तरह इमेजिन कर सकते हैं, तो बार मैग्नेट की तरह से अगर इमेजिन करें तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट अगर एम है, जो कि आपको पता है करंट इंटू एरिया होगा, राइट, रेडियस आपका आर दे रखा है, तो यहाँ पे जब आप मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालोगे बी, तो दैट विल बी 2k इंटू एम एंड डिवाइडेड बाय डी क्यूब कर लेंगे, डी इज द डिस्टेंस जो दे रखा उन्होंने, एक्चुअल पॉइंट पे फील्ड का एक्सप्रेशन, तो इसको लिख सकते हैं 2 times ऑफ के एंड एम, एम का वैल्यू तो आपको पता है करंट इंटू एरिया, करंट को लिख लेते हैं तो लैम्डा इंटू 2 पाई आर इंटू ओमेगा बाई 2 पाई एंड इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो गया एम का वैल्यू एंड डिवाइडेड बाई डी क्यूब। अब क्लियरली देखोगे तो आर का पावर 3 आ रहा है और डी का पावर भी 3 आ रहा है, तो 3 and 3 दोनों ही आंसर होना चाहिए, ये आंसर मार्क कर लेंगे, ठीक है। इसमें एक चीज गलत अगर हो सकता है, मतलब ये तो डिपेंड करता है कि जैसे अगर क्यू की वैल्यू को अगर कॉन्स्टेंट माना जाए, जैसे इसमें मैंने क्या किया, लैम्डा की वैल्यू को कॉन्स्टेंट माना है, बट एक और सिचुएशन ये हो सकता है कि जैसे ये रॉड है, इस रॉड का चार्ज को ही मैंने कॉन्स्टेंट कर दिया है और उसके बाद इसको बेंड कर रहे हैं, तो चार्ज अगर कॉन्स्टेंट है तो उस केस में क्यू की वैल्यू को लैम्डा इंटू 2 पाई आर आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि उस केस में लैम्डा आपकी वेरिएबल हो जाएगी, क्योंकि अगर लेंथ फिक्स्ड है, मतलब अगर अगर सोचो कि लेंथ को आप चेंज, मतलब लेंथ को चेंज करना चाहते हैं, रेडियस को चेंज करना चाहते हैं, तो लैम्डा को भी आपको चेंज करना पड़ेगा ताकि आपका क्यू फिक्स्ड रहे, ठीक है, बट ऐसा कुछ बोला नहीं उसने, तो इसलिए मैं लैम्डा को ही फिक्स मान रहा हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने आंसर किया। अब ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, देखिए आप, पहली चीज तो है बी ऑप्शन, उसने कह रखा है फॉर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ए एंड बी द वेरिएशन ऑफ इनवर्स ऑफ ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर इज शोन इन द फिगर, और आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा सब्सटेंस है। बी में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, बी जो सब्सटेंस है वो पक्का है आपका, दिस बी विल बी डायमैग्नेटिक, क्योंकि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए टेम्परेचर वेरिएशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बी डायमैग्नेटिक में आप देखोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन में दिख रहा है और एक यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है, तो अब एक और डिसाइड करना है कि वो फेरोमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है। अब आप अगर नेचर की बात करें तो जैसे ससेप्टिबिलिटी की पहले बात करते हैं, ससेप्टिबिलिटी अगर आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए बात करते हो विद टेम्परेचर, ठीक है, तो उसकी वेरिएशन जो होती है वो आपकी एकदम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की होती है, मतलब ससेप्टिबिलिटी आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आती है, दिस इज फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है, बट अगर यही फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं तो उसकी वेरिएशन ऐसी नहीं होती है,
इसकी वेरिएशन ऐसी नहीं होती है, इसकी वेरिएशन क्यूरीज टेम्परेचर के बाद इनवर्स वाला वेरिएशन आता है, उससे पहले जो वेरिएशन है वो आपकी इनवर्स वेरिएशन नहीं है, उसका मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास नहीं है, मतलब मैथमेटिकल कोई फाइनाइट मतलब कोई वेल डिफाइंड कर्व नहीं है, बस इतना पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सेंसिटिविटी वैल्यू घटती है, बस इतना पता है, बट उसके बाद फिर जो वेरिएशन होता है क्यूरीज टेम्परेचर के बाद, वो उसके बाद फिर आपका इनवर्स में आता है, मतलब यहाँ पे इसके बाद ये वाला पार्ट आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, उसके पहले का नहीं। तो इस पार्ट के लिए अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट के लिए अगर लिखते हो, सॉरी अगर सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट के लिए अगर आप लिखते हो, सिर्फ इस पार्ट के लिए मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, इस पार्ट के लिए अगर लिखो तो आप सेंसिटिविटी वैल्यू को लिख सकते हैं कि ये प्रोपोर्शनल टू 1 बाय टी माइनस ऑफ टीसी होगी, ठीक है, बट अगर मैं 1 बाय एक्स मतलब इनवर्स ऑफ सेंसिटिविटी करता हूं तो प्रोपोर्शनल टू टी माइनस ऑफ टीसी आएगी, एंड टी माइनस टीसी एक लीनियर स्ट्रेट लाइन है, मतलब लीनियर इक्वेशन है, मतलब स्ट्रेट लाइन होगी, बट इसकी वाई इंटरसेप्ट देखो क्लियरली वो नेगेटिव दिख रही है, मतलब इसका इंटरसेप्ट जो होगा वो नेगेटिव आएगा, दिस इज नेगेटिव इंटरसेप्ट इन स्ट्रेट लाइन, नेगेटिव इंटरसेप्ट, एंड स्पेसिफिकली ये जो वेरिएशन आपको दिख भी रही है तो ये वेरिएशन आपको क्यूरीज टेम्परेचर के बाद की दिखेगी, क्यूरीज टेम्परेचर के बाद की, उसके पहले की नहीं, मतलब उसके पहले की अगर आप देखेंगे, उसके पहले की तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे 1 बाय ससेप्टिबिलिटी अगर ड्रॉ करेंगे फेरोमैग्नेटिक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो अगर मैं इसका क्यूरीज टेम्परेचर अगर मार्क कर दूं यहाँ पे और उसके बाद का ड्रॉ करता तो उसके बाद की वेरिएशन ऐसी दिखती, ऐसी, और ये अपियर होता कहीं पे यहाँ पे जाता हुआ, ठीक है, बट ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है, दिस पार्ट, ये वाली पार्ट आपका लीनियर नहीं होगा, समझ आ रही है आपको, दिस पार्ट इज नॉन लीनियर। तो अब इसमें उन्होंने क्वेश्चन में देखो आपका क्या दे रखा है कि ये जीरो टेम्परेचर पे भी आपका, जीरो टेम्परेचर के बाद भी आपका क्या है, वो लीनियर वेरिएशन ही दिखा रहा है, तो ऐसा मतलब ना तो मतलब जीरो टेम्परेचर के बाद लीनियर वेरिएशन तो है, और साथ में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा शिफ्टेड वेरिएशन है, मतलब शिफ्टेड मतलब ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर है, बट अगर पैरामैग्नेटिक लेते तो एकदम एग्जैक्टली ओरिजिन से पास करता हुआ होना चाहिए था, बट दोनों में से ना तो ये ऑप्शन बी से मैच कर रहा है ना तो ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, तो बेस्ट ऑप्शन जो मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग वो ऑप्शन डी होना चाहिए, ऑप्शन डी होना चाहिए, क्योंकि पैरामैग्नेटिक में जीरो से टेम्परेचर आप जैसे ही जीरो से लेकर टी तक आप कहीं पे भी जाएं तो इनवर्स वेरिएशन तो दिखता है, और इनवर्स का टेम्परेचर के साथ इनवर्स वेरिएशन दिखता है, और इनवर्स वेरिएशन का अगर आप उल्टा करेंगे तो लीनियर इक्वेशन आएगा, उस बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शन डी इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन बट नॉट करेक्ट, इधर सी और डी दोनों में से कोई भी करेक्ट, मतलब बी और डी में से कोई भी करेक्ट आपके यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। 27 करें, 27 में RMS value of निकालना है, potential difference V as shown in the figure, इस value को RMS निकालना है, तो RMS आपका बहुत ही simple सा है, अगर आप VRMS calculate करते हो, तो VRMS आपको निकालना है, तो आपका basically क्या करना है, root निकालना है किसका, mean of square of voltage का निकालना है, तो पहले इसको square कर लो, तो अगर V square कर ले, मान लेते हैं V square कर ले, तो ये graph ऊपर shift हो जाएगी, यहाँ पे V not square हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका ऊपर shift हो जाएगा V not square पे, तो अब इसका एवरेज निकालना है, तो इसका एवरेज निकालने का तरीका क्या है, पहले एरिया निकालो एंड फिर टाइम से डिवाइड करो, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे, रूट अंडर ऑफ वी नॉट स्क्वायर इनटू टी बाय टू एंड डिवाइडेड बाय टी कर लेंगे, तो वैल्यू क्लियरली दिख रही है आपको, वी नॉट बाय रूट टू आएगी, तो वी नॉट बाय टू इज द आंसर, रूट टू इज द आंसर। अभी नेक्स्ट ये कलर कोडिंग से रिलेटेड है, तो कलर कोडिंग में आपको बस ये न्यूमेरिक्स याद रखना होता है, बी बी रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन, बी बी रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ, तो यहाँ पे क्लियरली आपको रेड दे रखा है, तो रेड का न्यूमेरिक आपका कितना आना है, टू, ये जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे चलना है हमारे लिए, तो हमें तो रेड येलो एंड ऑरेंज का ही न्यूमेरिक चाहिए, तो रेड के लिए है टू, येलो के लिए है फोर एंड ऑरेंज के लिए है थ्री, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 10 टू द पावर 3 एंड फोर्थ रेजिस्ट फोर्थ बैंड तो दिया ही नहीं है, तो टॉलरेंस आपका 24% होना है, तो प्लस माइनस ऑफ 24% आ जाएगा, 20% आ जाएगा, तो ये 24 into 10 power 3 and plus minus 20%. प्योर इंडक्टर है, एसी सर्किट में लगाया हुआ,
एवरेज पावर कंज्यूम पूछा है, तो यहाँ पे करंट की जो वैल्यू है वो आपकी पाई बाई टू से यहाँ पे लैग करेगी. तो पाई बाई टू मतलब करंट एंड वोल्टेज के बीच में अगर पाई बाई टू का फेज डिफरेंस कभी भी क्रिएट होता है तो पावर कंजम्पशन आपकी जीरो आएगी. इसको एनालिटिकली आप ऐसे सोच सकते हैं, मैथमेटिकली करेंगे तो आ ही जाएगा, एनालिटिकली ऐसे सोच सकते हैं कि एक हाफ में जब इंडक्टर में आप एनर्जी बढ़ाओगे, इंडक्टर की एनर्जी बढ़ाओगे, तब वो मतलब करंट बढ़ाने का मतलब है, करंट बढ़ाने से इंडक्टर करंट बढ़ाने से उसकी एनर्जी बढ़ेगी. तो उस केस में करंट जब बढ़ रहा होगा तो वो क्या करेगा, एक बैक ईएमएफ क्रिएट करके वो करंट के ग्रोथ को रोकने की कोशिश करेगा. मतलब उस केस में इंडक्टर पे वर्क करना पड़ेगा, मतलब उस ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को. दूसरा, जब अगर इसमें करंट घट रही होगी तो करंट घटेगा तो वो क्या करेगा, फॉरवर्ड ईएमएफ क्रिएट करेगा और उसके बाद फिर वो क्या करेगा, वो खुद से एनर्जी के सोर्स की तरह बिहेव करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि वही वो करंट का मतलब करंट मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन का करंट मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है. तो उस केस में वो वर्क परफॉर्म कर रहा होगा, मतलब इंडक्टर जो है वो वर्क परफॉर्म कर रहा होगा. तो एक हाफ में इंडक्टर के ऊपर वर्क होगा, दूसरे हाफ में इंडक्टर पे वर्क होगा, इंडक्टर खुद वर्क करेगा, एंड दोनों का मिला के सम जब कैलकुलेट करोगे तो जीरो ही आएगा. जो ये जब भी मतलब अगर ये इंडक्टर की जगह अगर ये कैपेसिटर होता तो भी आंसर हमारा सेम ही होता, ठीक है, क्योंकि उसमें भी पाई बाई टू का फेज डिफरेंस क्रिएट होता है. The cross section of a reflecting surface is represented by the equation x square plus y square equal to r square as shown in the figure. A ray traveling in the positive x direction is directed towards positive y direction after reflection from the surface at m. X positive x से आया and positive y की तरफ जाना है, ठीक है. अब coordinates of m पूछा है, तो logically एक बार करके देखो, मतलब चार quadrant है, चारों में आप incidence and reflection सोच के देख लो. पॉजिटिव एक्स से आना है तो पॉजिटिव एक्स से इधर ही आ रहा है, सॉरी पॉजिटिव एक्स की तरफ से आना तरफ जाना है तो पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है एंड रिफ्लेक्शन से पॉजिटिव वाई की तरफ चला गया. तो यही एक पॉसिबल ऑप्शन है और कुछ पॉसिबल ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि अगर इधर से अगर भेजते पॉजिटिव एक्स की तरफ तो यहाँ तो ये नीचे की तरफ चला जाता, तो ये नहीं हो सकता. तो यहाँ पे तो क्लियरली आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे अगर सिमेट्रिकल है तो ऑब्वियसली ये एंगल 45 डिग्री एंड 45 डिग्री होना चाहिए. तो अगर दोनों एंगल 45 डिग्री है तो इसका मतलब ये वाली कोऑर्डिनेट जो है वो आर बाई रूट टू दोनों तरफ से होगी मैग्नीट्यूड में, बट सिंस ये सेकंड क्वार्टर में तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगी एंड वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगी, तो नेगेटिव आर बाई रूट टू एंड पॉजिटिव आर बाई रूट टू ऐसा है. फॉर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय दिस एंड द करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है. तो पहले हम स्पीड ऑफ लाइट निकाल लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है. तो स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी v is omega by k, तो 1.5 into 10 to the power 11 divided by k which is 0.5 into 10 to the power 3. This is coming out to be 3 into 10 to the power 8 meter per second. 3 into 10 to the power 8 meter per second आ रही है. अब e की वैल्यू आपको पता है कि b into c होती है, तो e की वैल्यू b into c होती है, तो b की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो e by c करनी पड़ेगी आपको. तो e आपको दे रखा है 90 divided by 3 into 10 to the power 8 करना है, तो ये हो जाएगी 3 into 10 to the power minus 7 आ जाएगी. 3 into 10 to the power minus 7 की वैल्यू आ रही है SI यूनिट में, मतलब टेस्ला आ जाएगी, ठीक है. अब आपको एक और चीज पता है कि E और B का जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं आपको तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन मिलना चाहिए. तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्लियरली आपको दिख रहा है यहाँ पे, प्लस देखिए आपको पता चलेगा कि यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज नेगेटिव एक्स एक्सिस. नेगेटिव एक्स एक्सिस में प्रोपेगेट कर रही है, मतलब अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में दिखाने की कोशिश करूं तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस. तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है उन्होंने जेड एक्सिस की तरफ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दिस इज जेड एक्सिस की तरफ एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, दिस इज सी, ठीक है ना, ये सी का डायरेक्शन है. तो ई से बी की तरफ अगर कर्ल करोगे तो बी क्लियरली आपको देखोगे कि आपको वाई एक्सिस की तरफ चाहिए, तो ये बी है, क्योंकि इधर से इधर आपको कर्ल करोगे तभी आपका थंब लेफ्ट की तरफ आएगा. तो बी आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ होना चाहिए, तो ऑप्शन बी यहाँ से मैच कर जाएगा. टू मेटल वायर्स ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशंस आर कनेक्टेड इन सीरीज इफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज ऑफ द मेटल वायर्स रेस्पेक्टिवली इफेक्टिव कंडक्टिविटी निकालनी है. ओके, तो दोनों को अगर सिंगल वायर से रिप्लेस करते हैं तो जो इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा वो 12 हो जाएगा एंड एरिया क्रॉस सेक्शन तो आपका ए ही रहेगा. मतलब ऐसा सिचुएशन है, ये आप सोचो यहाँ से बीच में ये दो वायर है, तो ये दो वायर का इफेक्टिव लेंथ कितना आपको दिख रहा है कॉम्बिनेशन जब करेंगे तो ये लेंथ 12 हो जाएगा एंड एरिया क्रॉस सेक्शन तो आपका ए ही रह जाएगा. तो आप क्या लिखेंगे, रो इंटू 12 डिवाइडेड बाई ए, दैट शुड बी इक्वल टू आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू लिख रहे हैं. तो रो वन इंटू एल बाई ए प्लस रो टू इंटू एल बाई ए, और रो को आप इनवर्स ऑफ सिग्मा लिख सकते हो. तो आपको क्लियरली दिखेगा यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू आपकी ट्वाइस ऑफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 वैल्यू है, तो आंसर सी हो जाएगा. अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल पिवोटेड एट वन एंड पी इज फ्रीली रोटेटेड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू पी.
If the temperature of system is increased by delta T, angular velocity becomes omega by 2. The coefficient of linear expansion of the rod is alpha. Alpha very less than 1, then delta T will be. इस क्वेश्चन को मैंने भी एक अटेम्प्ट में गलत किया था. मैं बताता हूँ कि आपको क्या गलत किया मैंने और फिर क्या सोच के मैंने आंसर भी मार्क किया पहले. अगर आप देखोगे तो शॉर्ट सॉल्यूशन जो अपलोडेड है उसमें मैंने 1/4 अल्फा बेस्ट ऑफ दी फोर चूज किया था 1/4 अल्फा को, बट वो आंसर नहीं होगा. मैं आपको जस्टिफाई करता हूँ यहाँ पे क्या है. मैंने भी इसमें टेक्निकली एक मिस्टेक किया था. पहला चीज ये है कि जैसे जब आप कोई चीज को भी ऐसे, जैसे एक रॉड है वो घूम रहा है गोल 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 करके चक्कर काट रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे गोल गोल चक्कर काट रहा है. अब इस केस में अगर आप इस रॉड के लिए अगर आप देखोगे तो इसका, इसके ऊपर बाहर से कोई भी टॉर्क नहीं लगा रहे, आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टेम्परेचर गर्म करते हैं. जैसे रूम का ही टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली उस केस में क्या होगा, यहाँ का रॉड का टेम्परेचर बढ़ेगा, रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब रॉड का भी टेम्परेचर बढ़ेगा. तो हीट आने से इसका हीट जब अब्सॉर्ब करेगा तो इसका एक्सपेंशन होगा, लेंथ बढ़ जाएगा. अब लेंथ बढ़ेगा तो ओमेगा घट जाएगा, तो एक्जैक्टली वही चीज दे रखी है. तो ओमेगा की वैल्यू काफी ज्यादा कम हो चुकी है. आप देखोगे अगर तो ओमेगा की वैल्यू ओमेगा बाय 2 हो चुकी है. तो अगर हम इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं, मतलब एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम को आप क्या लिखते हो, आई इंटू ओमेगा लिखते हो. रॉड पाइवेटेड एट वन एंड है एंड फ्रीली रोटेटिंग इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन दे रखा है. तो इस केस में आप अगर वन एंड के अबाउट फिक्स भी करते हो तो इसको आप एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा लिख सकते हो. एम एल स्क्वायर बाई 3 लिखो, एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि चेंजेस आपके कॉन्स्टेंट फैक्टर्स में नहीं होना है. 12 एंड 3 में चेंजेस नहीं होने, जो भी चेंजेस होने हैं वो लेंथ में और ओमेगा में होना है. मास भी फिक्स है. तो इसका मतलब आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि एल की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, एंगुलर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर इंटू ओमेगा आ रही है. तो अब सिंस टॉर्क कोई भी नहीं लग रही, टॉर्क एक्सटर्नल आपके सिस्टम पे जीरो है, इसका मतलब एल की वैल्यू आपकी कॉन्स्टेंट होनी चाहिए. तो अगर ओमेगा की वैल्यू हाफ हो चुकी है तो एल स्क्वायर बेसिकली आपका क्या हो चुका होगा, डबल हो जाएगा. एल स्क्वायर विल बी डबल. समझ आ रही है आपको? तो इसमें क्या करेंगे, गलतियां अगर आप करेंगे तो क्या क्या गलतियां कर सकते हैं. जैसे एल स्क्वायर को अगर हमने डबल कर दिया तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि जो लेंथ होगा दैट विल बी रूट टू टाइम्स, मतलब अगर एल टू विल बी रूट टू टाइम्स ऑफ एल वन, तो हम ये लिख सकते हैं कि लेंथ जो है वो आपका डबल हो जाएगा. अब अगर इस तरह से यूज करोगे तो आप ऐसे लिखोगे तो आपका आएगा एल टू विल बी root 2 times of L1 and that will be L1 into 1 plus alpha into delta t. ऐसा लिख सकते हैं. तो यहां से अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा, यहां से आपको मिल रही है ये L1 कट जाएगा एंड ये 0.414 है तो 0.4 लिख सकते हैं एंड दैट विल बी अल्फा इंटू डेल्टा टी आ रही है. तो यहां से डेल्टा टी की वैल्यू जो मिल रही है दैट इज कमिंग आउट ऑफ दी 1/ हमें तो डेल्टा टी निकाला था, डेल्टा टी विल बी 0.4 अल्फा आ रही है, जो कि आप देखोगे तो एक भी आंसर में मैच नहीं कर रहा है, एक भी आंसर में मैच नहीं कर रहा है, ठीक है. अब दूसरा क्या कर सकते थे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि किस किस तरह से आप आंसर्स को निकाल सकते हैं. देखो दूसरा एक और चीज आप ये कर सकते थे कि अगर एरर फॉर्मूला कोई लगा दे, एरर फॉर्मूला अगर लगाएगा तो क्या करेगा वो, जैसे एल स्क्वायर इंटू ओमेगा कॉन्स्टेंट आ रही है तो वो लिखेगा ट्वाइस ऑफ डेल्टा एल बाई एल एंड प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा इक्वल टू जीरो. बट ये करना तो गलत हो जाएगा, दिस इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि जो परसेंटेज चेंजेस हैं ओमेगा के वो काफी बड़े हैं एंड एरो फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होते हैं जो परसेंटेज चेंजेस छोटे होते हैं, मतलब 5% से छोटे चेंज हो रहा है तो फिर आप इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यूज नहीं कर सकते. सो दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर लार्ज चेंजेस, नॉट एप्लीकेबल फॉर लार्ज चेंजेस. बट एक और चीज आप कर सकते थे यहाँ पे, देखो अब दूसरा एक और चीज करके आपको दिखा रहा हूँ जिससे आंसर आपका एक आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है. मैंने यहाँ पे 2 डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा, इसमें अगर आप यूज करते तो देखो आपका आंसर एक मतलब 1/4 अल्फा आ जाता. देखो एक बार चेक करके देखो, ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू डेल्टा टी प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा विच इज हाफ दैट विल बी इक्वल टू जीरो एंड यहां से अगर देखोगे तो डेल्टा टी की वैल्यू आ रही है 1/4 अल्फा आ रही है, जो कि आपका इनकरेक्ट, मतलब ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ये गलत तरीके से निकाला मैंने. तो मैंने देखा था कि फर्स्ट तरीके जो मैंने किया जिसमें डेल्टा टी 1/0.4 अल्फा आ रही है उससे आंसर एक भी मैच नहीं किया, तब मैंने देखा कि इससे आंसर मैच कर रहा था तो इसको मैंने बोला कि बेस्ट ऑफ दी फोर है. बट एक्चुअली देखोगे तो फर्स्ट तरीके से भी एक और आंसर पे हम पहुंच सकते हैं. कैसे, देखो अगर मैं कह रहा हूं कि एल स्क्वायर डबल हुई है, एल स्क्वायर अगर डबल हुई है तो ऐसे लिख सकते हैं कि एल टू का स्क्वायर विल बी इक्वल टू एल वन का स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ L1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 डबल हुई है ना तो इसको लिख सकते हैं ऐसे लिख लेते हैं. L2 की वैल्यू को मैं लिख रहा हूं L1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी एंड इसका स्क्वायर करेंगे ये L2 स्क्वायर मिल जाएगा हमें एंड दैट हैज टू बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L1 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं. अब यहां से अगर आप देखोगे तो यहां से आ रहा है L1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी का पावर 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L1 का स्क्वायर.
अब L1 का स्क्वायर यहां से तो कट जाएगा एंड 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, देखो उसने ऑलरेडी कह रखा अल्फा बहुत लेस देन 1 है, इसका मतलब वो डेफिनेटली बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं, तो अल्फा डेल्टा टी को हम लोग 1 से बहुत छोटा माने तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा डेल्टा टी दैट विल बी इक्वल टू 2 आएगा, इसका मतलब अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू 1 आ रही है, सॉरी हाफ आ रही है सॉरी, एंड इसका मतलब डेल्टा टी की वैल्यू जो मिलेगी आप दैट विल बी 1/2 अल्फा आ रही है, तो 1/2 अल्फा आपका ऑप्शन में एक मैच कर रहा है, तो ये आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसमें काफी लोगों ने गलतियां करी होगी मुझे लगता है, क्योंकि ये बहुत लोगों को स्ट्राइक नहीं किया होगा। ये वाला जो क्वेश्चन ये थोड़ा सा रिलेटिवली डिफिकल्ट के कैटेगरी में मैं मानूंगा। इसमें क्या करना है देखते हैं एक बार। एन आइडियल गैस ऑफ मोलर मास m इज कंटेन्ड इन अ वेरी टॉल सिलिंड्रिकल कॉलम इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, अज्यूमिंग द गैस टेम्परेचर टू बी टी, द हाइट एट विच सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द गैस इज लोकेटेड इज, ये आपको निकालना है। पहले आपको कन्वेंशनल तरीका बताता हूँ फिर एक स्मार्ट वर्ड बताऊंगा। ये मान लेते हैं अर्थ का सरफेस है, दिस इज अर्थ, एंड यहां से आप जा रहे हो एच डिस्टेंस, आप ऊपर जा रहे हो, ठीक है, एच डिस्टेंस ऊपर गए एंड यहाँ पे एक आपने पतला सा लिक्विड मतलब एयर कॉलम कंसिडर किया, यहाँ पे एक पतला सा एयर कॉलम कंसिडर किया डीएस थिकनेस का, तो इस डीएस थिकनेस का अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ये डीएस थिकनेस में कोई चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पे मान लेते हैं लेफ्ट नीचे वाले एंड पे मान लेते हैं प्रेशर पी है, तो प्रेशर पी इंटू एरिया कर लिया, यहाँ पे ऊपर की तरफ फोर्स आएगा, ऊपर वाले एंड पे प्रेशर मान लेते हैं पी प्लस डीपी है इंटू एरिया कर लिया तो नीचे की तरफ फोर्स आएगा, एंड इसका जो खुद का वेट होगा दैट विल बी डीएम इंटू जी लिख लेंगे, तो यहां से अगर फोर्स बैलेंसिंग करोगे तो आपको दिखेगा डीपी इंटू एरिया प्लस डीएम इंटू जी दैट विल बी इक्वल टू जीरो, तो डीपी इंटू एरिया प्लस डीएम मतलब डेंसिटी इंटू एरिया इंटू थिकनेस इंटू जी इज इक्वल टू जीरो मिल जाएगा, तो आपको यहां से जो मिल रही आ रही है डीपी इज इक्वल टू माइनस ऑफ रो जी इंटू डीएच मिल रही है, पहली इक्वेशन हो गई है। एंड दूसरा एक और इक्वेशन आपको ऑलरेडी पता है आइडियल गैस इक्वेशन से, पी इज रो आर टी डिवाइडेड बाई एम होती है, तो इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं आप, ये फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन को यूज करो, तो यहां से अगर आप देखोगे तो डीपी की वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं डीपी की वैल्यू को डी रो इंटू आर टी डिवाइडेड बाई एम एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ रो जी इंटू डी एच, तो यहां से आपको डी रो बाई रो मिल जाएगा दैट विल बी माइनस ऑफ एम जी डिवाइडेड बाई आर टी इंटू एच, मतलब रो की वैल्यू आपको मिल जाएगी दैट विल बी रो नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ एम जी एच बाई आर टी, रो नॉट हम मान रहे कि एकदम लोअर लेवल पे डेंसिटी है। अब आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेट करनी है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे लोकेट करते हैं, तो सीओजी लोकेट करनी है तो आपको क्या लिखना है इंटीग्रेशन ऑफ वाई, वाई की जगह पे एच लिख लेंगे मतलब वाई क्वांटिटी आपको निकालनी है, तो वाई डीएम लिखते हैं तो यहाँ पे एच इंटू डीएम इंटू जी एंड डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू जी लिख लेंगे, जी कॉन्स्टेंट है तो यहाँ से कट जाएगा, तो बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ एच इंटू डेंसिटी डीएम निकालना है, तो डीएम निकालने के लिए आपने क्या किया था याद करो, यहाँ पे डीएम डीएम की वैल्यू कैसे लिखा था डेंसिटी इंटू एरिया इंटू थिकनेस डीएच लिख लेंगे एंड डिवाइडेड बाय फिर वापस से डेंसिटी इंटू एरिया इंटू थिकनेस कर लेंगे, ये एरिया कट जाएगा, इसको जीरो से इन्फिनिटी आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि हाइट लॉन्ग है उसने ऑलरेडी कह रखा है, रो की वैल्यू ऑलरेडी आपने निकाल रखी है जो वाली वैल्यू यहाँ से, ये वाली वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट कर लेनी है, ठीक है। अब ये क्लियरली दिख रहा है इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इन्वॉल्व होने वाले हैं क्योंकि रो की वैल्यू रो नॉट इनटू ई टू द पावर माइनस एमजीएच बाय आरटी है और उसके साथ एच भी मल्टीप्लाइड है, तो अब यहाँ पे देखो एक बार ऑप्शन सारे देख लो कि यू नो डायमेंशनली कौन से करेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि उसने कह रखा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है मतलब कि ये डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस का डायमेंशन आना चाहिए, अब एमजीआर तो डिस्टेंस का डायमेंशन नहीं है, एनर्जी होगा, आरटी देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी, सोचो पीवी इक्वल टू एनआरटी तो पीवी का डायमेंशन है क्या है एनर्जी का डायमेंशन है, राइट, एनर्जी का डायमेंशन है, दिस विल बी डायमेंशन ऑफ एनर्जी, तो आरटी का भी डायमेंशन क्या है एनर्जी का है, तो एनर्जी बाय फोर्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा एंड लेंथ का डायमेंशन मिल जाएगा, तो ऑप्शन बी ही मैच कर रहा है और कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसलिए जब आप इंटीग्रेट करोगे उसको तो पक्का है ऑप्शन बी ही मैच करेगा और उसे कोई नहीं आएगा, ठीक है। दिस वॉज नंबर 34 35 पे पहुंचते हैं। Under isothermal conditions, to show bubbles of radii A and B and coalesce to form a single bubble of radius C. If the external pressure is P, then surface tension of the bubble is. इसमें बस जो ideal gas equation आपको use करना है, मतलब उसमें अगर आप देखोगे तो number of moles जो है वो constant हम मानेंगे इसमें, and isothermal conditions है मतलब PV equal to nRT जब use करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हम निकालते हैं तो एन की वैल्यू जो पहले थी नंबर ऑफ मोल्स फर्स्ट बबल में, नंबर ऑफ मोल्स सेकंड बबल में,
उन सबको जब आप कॉम्बाइन करोगे तो ये दैट शुड बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो एक सिंगल बबल में आने वाला है. तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, पीवी बाई आर टी करके. तो यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पी वन इंटू वी वन बाई आर टी प्लस पी टू इंटू वी टू बाई आर टी एंड दैट विल बी इक्वल टू पी थ्री इंटू वी थ्री बाई आर टी. आर टी सब में कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा. अब पी पी कैसे निकालेंगे, प्रेशर आपको पता है सोप बबल के अंदर जब आप लिखते हैं तो प्रेशर इनसाइड इज इक्वल टू प्रेशर आउटसाइड प्लस फोर टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन बाय रेडियस. तो इस इक्वेशन को यूज करिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं उसने ऑलरेडी कह रखा है एक्सटर्नल प्रेशर जो है आउटसाइड प्रेशर जो है वो आपका पी है. तो इस पी नॉट की जगह पे मैं इसको पी लिख देता हूँ, ये आउटसाइड प्रेशर है. तो इसको लिख सकते हैं पी प्लस फोर एस बाई रेडियस ए इंटू फोर थर्ड बाई ए क्यूब प्लस पी इंटू सॉरी पी प्लस फोर एस बाई बी एंड इंटू फोर थर्ड बाई बी क्यूब एंड दैट हैज टू बी इक्वल टू पी प्लस फोर एस बाई सी and that multiplied with 4 third pi c cube कर लेंगे. तो यहां से आप देखोगे तो ये 4 third pi तो सब में common है, हटा देते हैं इसको and यहां से p into common out कर ले, p को common out करेंगे तो आएगा a cube plus b cube minus c cube and that will be equal to 4s common कर ले तो आएगा c square minus a square plus b square आएगा. तो अब option में match करा ले तो option c cube ऑप्शन बी मैच कर रहा है. मैंने जो पिछला जो शॉर्ट वीडियो मतलब जिसमें सिर्फ आंसर की भेजा था जिसमें कोई डिस्कशन नहीं किया था उसमें मैंने ऑप्शन ए गलती से मार्क कर दिया था, सॉल्यूशन यही किया था बट आंसर ए मार्क कर दिया था तो इसलिए आंसर बी होगा इसका. अ स्मॉल बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट डाइपोल मोमेंट एम इज मूविंग विद अ स्पीड वी अलोंग एक्स एक्सिस टुवर्ड्स अ स्मॉलर सर्कुलर कॉइल्स कंडक्टिंग लूप ऑफ रेडियस ए विद सेंटर एट ओ एट एक्स इक्वल टू जीरो एज फिगर shows. Assume x very greater than a and the coil has a resistance r, then which of the following statement is not true. देखो x बहुत बड़ा अगर होगा मतलब अगर आप कोई चीज को लूप को सामने से देखोगे बहुत बड़ा दिख रहा है बट अगर ये आपसे बहुत दूर चला जाएगा तो ऑब्वियसली इसके डायमेंशन बहुत छोटी हो जाएगी. तो डायमेंशन अगर बहुत छोटी होगी तो बार मैग्नेट का फील्ड जो होगा वो उस कॉइल के लिए ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म अपीयर होगा. तो यहाँ पे जो फील्ड आएगी ये b की वैल्यू कितनी है 2k into m divided by Distance is x, तो x cube लिख सकते हैं, right? तो अगर आप flux निकालोगे, magnetic flux निकालोगे, तो magnetic field into area करना पड़ेगा आपको. तो magnetic field है 2 km divided by x cube, and loop की radius a है, तो इसके साथ आपको pi a square को multiply कर लेना है. अब क्या करना है, उसने बोला है, magnetic field at the center of the coil is due to the bar magnet is m by x cube. m by x cube तो नहीं होगा, 2 km by x cube होगा. k को अगर 1 भी मानते हैं, तो m by x cube नहीं लिख सकते, 2 km by x cube लिखना पड़ेगा. तो option a आपका incorrect है. ये multiple option correct वाले हैं, ठीक है? induced emf is proportional to 1 to the 1 by x to the power 4. ab induced emf nikalne ke liye aap kya karoge, mod of d phi by dt loge. ab isme variable kaun hai, is expression pure expression mein variable kaun hai, expression mein variable sirf aur sirf x cube hai. to x cube ka jab aap differentiation karoge to 1 by x cube ka differentiation karoge to obviously aapka 1 by x to the power 4 aayega. to iska matlab hai ki basically induced emf aapki 1 by x to the power 4 aayi nahi hai, to ye aapki correct ho jayegi. the magnetic dipole moment due to the induced current in the coil is proportional to a to the power 4. ओके, अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालें, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू अगर निकाल रहे हो तो आप क्या करोगे, करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया करोगे, मतलब पाई आर स्क्वायर करना पड़ेगा आपको. करंट निकालने के लिए आप क्या कर रहे थे, इंड्यूस्ड ईएमएफ से आप रेजिस्टेंस को डिवाइड करोगे एंड फिर पाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे. अब इंड्यूस्ड ईएमएफ में खुद पाई ए स्क्वायर इन्वॉल्व है क्योंकि डी फाई बाई डी टी आप कर रहे थे, इसका मतलब म्यू की वैल्यू क्या आएगी, प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, जो कि आपका क्या जाएगा, ए टू द पावर फोर आ जाएगा. तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गई है. हीट प्रोड्यूस इज प्रोपोर्शनल टू वन बाई यहाँ पे x टू द पावर 6 लिखा हुआ था, ये x टू द पावर 6 है. अब ये ऑप्शन करेक्ट है या नहीं ये चेक करें, तो हीट प्रोड्यूस की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो क्या लिखेंगे आप, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी लिखेंगे, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ का स्क्वायर बाय आर इंटू टी लिख सकते हैं, ठीक है, टी इज द टाइम इन्वॉल्व, ठीक है, टाइम जितनी लग रही है. तो अभी आपको क्या है कि बेसिकली इंड्यूस ईएमएफ निकालो या करंट निकालो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको. तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि इंड्यूस ईएमएफ में 1 बाय x टू द पावर 4 था और उसका स्क्वायर करना है, तो s की वैल्यू क्या आएगी, प्रोपोर्शनल टू 1 बाई x टू द पावर 8 आएगी और यहाँ पे 1 बाई x टू द पावर 6 दे रखा है, इसका मतलब ये आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी. तो करेक्ट ऑप्शन इज बी एंड सी ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. ये एक अच्छा क्वेश्चन है. इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू उसने दे रखी है दैट इज a इनटू cos ऑफ ओमेगा नॉट t एंड प्लस sin ऑफ ओमेगा t इनटू cos ऑफ ओमेगा नॉट t, ठीक है, ये दे रखा है. अब साइन और कॉस का प्रोडक्ट इन्वॉल्व है
तो साइन और कॉस का अगर प्रोडक्ट इन्वॉल्व है तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको टू से मल्टीप्लाई करें, हाफ से डिवाइड भी करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, दिस विल बी हाफ ऑफ, इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट इन टू टी एंड प्लस साइन ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इन टू टी, साइन ए कॉस बी चाहिए, नहीं उल्टा हमें चाहिए, हमें ओमेगा नॉट चाहिए ना, ये चाहिए, इसको माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या है आपके पास, देखो तो आपके पास ओवरऑल देखोगे तो थ्री फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल हैं, थ्री फ्रीक्वेंसीज हैं, ओमेगा वन वाला है जो कि आपका ओमेगा नॉट है, ओमेगा टू वाला है जो ओमेगा वन सॉरी ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट है, एंड एक थर्ड फ्रीक्वेंसी ओमेगा थ्री जो कि आपकी ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, यही वाली मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब तीन फ्रीक्वेंसी में से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी यही है, अगर ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब जो आपका काइनेटिक एनर्जी का जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा वो आपके इस फ्रीक्वेंसी वाले फोटोन से ही मिलेगा, ठीक है। अब एक बार चेक करके देख लेते हैं, फॉर लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट पॉसिबल, अच्छा पहले ये देख लेते हैं कि ओमेगा के साथ पॉसिबल है भी या नहीं, तो ओमेगा का वैल्यू दे रखा है उसने और हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, पहले ऑप्शन पहले ए ऑप्शन को चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ ओमेगा फोटोन वाला, ठीक है, तो दैट विल बी एच इन टू न्यू एंड एफ की वैल्यू को हम ओमेगा बाई टू पाई लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं दिस इज एच इज 6.67 इंटू 10 6.62 दे रखा है, इसको हम 20 बाई 3 अप्रॉक्सिमेटली लिख सकते हैं, 6.62 को मैं 20 बाई 3 लिख रहा हूँ, इंटू 10 टू माइनस 34 एंड इंटू ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू इज 5 10 15 एंड डिवाइडेड बाय 2 पाई, 2 पाई को मैं पाई स्क्वायर इंटू पाई लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एंड पाई को फिर 22/7, कैलकुलेशन आसान होगा, पाई स्क्वायर को अप्रॉक्सिमेटली 10 लिख सकते हैं, तो ये पाई स्क्वायर ये पाई यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3 आ रहा है, 7 3 21 है, तो अप्रॉक्सिमेटली ये अप्रॉक्सिमेटली 1.22/21 है, तो 1 21 1 आएगा, फिर 0 फिर नीचे का 0 फिर 0 1.05 आ रही है अप्रॉक्सिमेटली, 1.05 इंटू 10 टू द पावर 1.05 इंटू 10 टू द पावर कितने आ रही है 10 की पावर में माइनस 19 है, 1.05 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, हाँ माइनस 19 वोल्ट आ रही है, सॉरी जूल्स में आ रही है, जूल्स में, ठीक है। अभी जूल्स में आपको मिल चुकी है, तो अगर मुझे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कन्वर्ट करनी है, अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करनी है सॉरी अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें हम, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 1.05 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 को हम लोगों को 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से डिवाइड करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये क्लियरली आपको दिख रही है दिस इज लेसर देन 1.05 इवन नाउ, तो इसकी वैल्यू को अप्रॉक्सिमेटली हम लोग 1/1.6 मतलब 105/160 ऐसा आ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, दिस इज लेसर देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखोगे अगर आप, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल उसने दे रखा है -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होगा, ये वोल्ट होगा, ये मिसप्रिंटिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास अगर 2 वोल्ट का है, तो के ई मैक्स जो होगा दैट विल बी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हम लिख सकते हैं, के ई मैक्स आपकी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होगी, ठीक है। एंड ये जो के मैक्स मिला है दैट इज करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम फोटोन, ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी वाला फोटोन। तो मैक्सिमम एनर्जी वाला फोटोन पहले हम निकाल लें, मैक्सिमम एनर्जी वाला फोटोन निकालने के लिए आपको ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 करना पड़ेगा, मतलब वो जो निकाला था, तो एनर्जी मैक्सिमम जो है आपका फोटोन का, मैक्सिमम फोटोन की जो एनर्जी है दैट विल बी एच इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई लिखेंगे, ठीक है। एंड ओमेगा और ओमेगा नॉट को एक बार कंपेयर कर लेते हैं, देखो यहाँ पे एक बार दिया हुआ था ये ओमेगा नॉट वाज 5 टाइप्स ऑफ ओमेगा है, तो इसको हम लिख सकते हैं एच बाई 2 पाई इंटू 6 टाइम्स ऑफ ओमेगा, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है एच ओमेगा बाई 2 पाई को, तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं एच 6 इन टाइम्स ऑफ 105 डिवाइडेड बाई 160 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ रही एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ से ये तो ऑलमोस्ट 5 से काट लेते, तो इसको 21 लिख सकते हैं, ये 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 3 32, फिर ये 2
16 से कटेगा, 2, 3 से कटेगा, तो यार ये 63 डिवाइडेड बाई 16 आ रही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जो कि अप्रोक्सीमेटली 2 है, बट लेस देन 2 है, स्लाइटली लेस देन 2, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 4, 64 है ना, 4 अप्रोक्सीमेटली 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, स्लाइटली लेस होगा, मतलब मे बी 1.95, 96, 97 ऐसा कुछ आएगा वैल्यू, मैं उस पर दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेट आएगा। तो इसका मतलब है अगर मैं इसको लिखूं कि एनर्जी मैक्सिमम जो आएगी फोटोन की, दैट विल बी वर्क फंक्शन, सॉरी दैट विल बी वर्क फंक्शन एन प्लस ई इंटू वी एस, ये लिख सकते हैं आप, या के मैक्स। तो इसे क्लियरली दिख रहा है ये वाला वैल्यू स्लाइटली लेसर देन, स्लाइटली लेस देन 4 है, एंड ये वाली वैल्यू आपकी एग्जैक्टली 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो 4 से अगर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, तो स्लाइटली 2 से छोटा आना चाहिए वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन इज -2, ये तो बिल्कुल वाई आता है, ये तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव तो वर्क फंक्शन कभी नहीं होते, तो इसलिए ये तो गलत ही हो गया। एंड अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपकी 1.95 होनी चाहिए, ये तो गलत ही है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगा, तो ये भी गलत हो गया। और अभी अच्छा अच्छा वर्क फंक्शन तो आपको यहां से पता चल गया, वर्क फंक्शन इज अप्रोक्सीमेटली 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, राइट। एंड 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं, इसके साथ, क्योंकि इसी के साथ हमें फर्स्ट वाले पार्ट में कंपेयर करना था, ये वाला वैल्यू 1 से भी छोटा है, तो 1 से भी छोटा है इसका मतलब क्या है कि इस ओमेगा वाले फ्रीक्वेंसी वाले फोटोन से आप मतलब फोटोइलेक्ट्रिफिकेशन नहीं करवा सकते, तो इसका मतलब फॉर लाइट ऑफ ओमेगा फोटोइलेक्ट्रिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल, ये करेक्ट हो जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी इज अ स्ट्रेट लाइन, ये तो नोन फैक्ट है, वेल नोन फैक्ट है, क्योंकि आप जब लिखते हैं तो एच इंटू न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस ई इंटू वी एस लिखते हैं, तो जो कि आपकी लीनियर इक्वेशन है, तो ये ऑप्शन बी भी करेक्ट होगा, तो ए एंड बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, इसमें आपका कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। Question number 38 करते हैं अभी। Consider the PV diagram for 1 mole of an ideal monatomic gas as shown in the figure. Which of the following statement is or are true? The change in internal energy for the whole process is 0. तो आपको बस ये चेक करना है कि temperature same है या नहीं है। आप initial point पे देखो जो PV का product है 2 P0 V0 है। And बाद में भी आपका pressure और volume का जो product है वो 2 P0 V0 है। इसका मतलब final temperature, temperature at A and temperature at C का same है। इसका मतलब delta T 0 है। और डेल्टा टी जीरो, इसका मतलब डेल्टा यू भी आपका जीरो, तो चेंज इन एनर्जी फॉर द होस्ट प्रोसेस इज जीरो, ऑप्शन ई करेक्ट हो गया। हीट इज रिजेक्टेड बाय द प्रोसेस ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो अगर मैं डेल्टा क्यू को लिखूं तो डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू हमने ऑलरेडी स्टैब्लिश कर लिया जीरो है, और वर्क आप देखोगे तो कंप्रेशन हुआ है, ए से बी में कंप्रेशन है और बी से सी में कोई वर्क ही नहीं हुआ है, इसका मतलब वर्क डन इज नेगेटिव, तो डेल्टा क्यू भी नेगेटिव आएगा, डेल्टा क्यू नेगेटिव है इसका मतलब हीट इज रिजेक्टेड इन दिस सिस्टम, ये भी सही हो गया। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोसेस ए बी इज माइनस ऑफ 3/2 पी नॉट बी नॉट, ठीक है निकाल के देख लेते हैं, डेल्टा यू इन ए बी दैट विल बी इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, तो एन टाइम्स ऑफ 3R/2, क्योंकि मोनोटॉमिक दे रखा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा, तो 3R/2 इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी अगर मैं यहाँ पे अच्छा ऐसा कर लेते हैं, एन आर डेल्टा टी लिख लेते हैं, और इसको लिख सकते हैं 3/2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ऑफ पी वी, क्योंकि एन आर डेल्टा टी कैन बी रिटन एज डेल्टा ऑफ पी वी, एंड डेल्टा ऑफ पी वी आपका कितना है, फाइनल पी वी का प्रोडक्ट देख लो कितना है, तो इसको लिख सकते हैं पी नॉट बी नॉट, एंड इनिशियल पी वी का प्रोडक्ट कितना है 2P0V0, तो ये वैल्यू आ गई है माइनस ऑफ 3P0V0 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, तो ऑप्शन करेक्ट हो गया। वर्क बाई डन बाई द गैस इन द एंटायर प्रोसेस इज 2P0V0, वर्क तो सिर्फ और सिर्फ ए बी पार्ट में हुआ है जो कि P0V0 है, और बी सी में तो कुछ वर्क नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, 38 इज इनकरेक्ट, 38 का ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 0.02 kg मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज शोन इन द फिगर, वी इक्वल टू ए एक्स इंटू एक्स माइनस ऑफ 4, तो इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4a इंटू एक्स, सो देयरफॉर फोर्स निकालनी है तो हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ डीवी बाई डी एक्स लिख सकते हैं, सो दिस विल बी माइनस ऑफ 2ax एंड प्लस 4a आ जाएगा, एंड दैट कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ 2a इंटू एक्स माइनस ऑफ 2a। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि फोर्स की वैल्यू जीरो कहाँ पे आएगी, x equal to 2a पे आएगी, and force proportional to displacement with respect to mean position होगा, mean position यहाँ पे कहाँ पे है, 2a पे, this is the location of mean position, क्योंकि जहाँ पे force zero थी वही mean position होती है, sorry, जहाँ पे force zero थी वहीं पे location of mean position होती है, तो x minus 2a क्या है, displacement with respect to mean position, this is displacement with respect to mean position, समझ आ रही है? तो इसका मतलब क्या है कि अगर फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फॉर मीन पोजीशन है एंड यहाँ पे नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है रिस्टोरिंग नेचर को, रिस्टोरिंग फोर्स भी है, तो
तो इसका मतलब क्या है, SHM तो होगा ही होगा, दिस इज अ केस ऑफ SHM, एंड फोर्स जहां पे जीरो होगा वहां पे काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगा, तो एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं, फोर्स इज एक्टेड अपॉन बाय कांस्टेंट फोर्स, गलत, पार्टिकल एग्जीक्यूट्स SHM, सही, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 2, अच्छा ये 2a नहीं होगा, 2 होगा क्योंकि 4 एक कॉमन ओके है, यहां पे 2 हो जाएगा, ठीक है, सो स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 2, तो ये भी करेक्ट हो गया क्योंकि मीन पोजीशन आपका x इक्वल टू 2 पे है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज पाई बाय 5, अब ये तो गलत हो गया क्योंकि जो इक्विवेलेंट k अगर देखोगे, k इक्विवेलेंट देखोगे जो स्प्रिंग कांस्टेंट की तरह जो बिहेव कर रहा है वो 2a है, तो जो टाइम पीरियड भी होगा वो a पे डिपेंडेंट होगा, तो इसलिए ये तो आपका गलत हो जाएगा, a की वैल्यूज में दी नहीं है, क्वेश्चन में देख लो a कहीं पे भी गिवन नहीं है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q मूविंग विद अ वेलोसिटी v एंटर्स रीजन b फ्रॉम a along the normal to the boundary, region B has a uniform magnetic field B perpendicular to the plane of the paper, also region B has a length L, choose the correct statements, पार्टिकल सी में एंटर कब करेगा ये प्रेडिक्ट करना है आपको, ठीक है, तो पहली चीज ये है कि अगर मैं यहाँ से सोचूं कि एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि यहाँ से जैसे अगर एक चार्ज एंटर करती है तो यहाँ पे अगर ये इसके अंदर से घूम के अगर वापस आ जाती है, अगर आप थोड़ी बड़ी वेलोसिटी दोगे तो बड़ा रेडियस का घूमेगा एंड फिर घूम के वापस आ जाएगा, ठीक है, तो अगर इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो क्यू इंटू वी क्रॉस बी करो तो देखो आपका फोर्स जो है वो इधर आ रहा होगा, तो इसका मतलब सेंटर कहीं यहाँ पे आप मान सकते हैं, तो सेंटर अगर यहाँ है तो मैक्सिमम रेडियस जो बन सकता है वो कितना बन सकता है, ये आर बन सकता है, तो आर की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो आपकी एल हो सकती है, अगर आप इसके मतलब वापस से रीजन सी में अगर आप एंटर नहीं करा सकते हैं, कराना चाहते हैं, दिस इज फॉर नॉट एंटरिंग सी, नॉट एंटरिंग सी, बट अगर आप सी में एंटर करवाना है तो आप रेडियस को उससे भी बड़ा कर दो, अगर रेडियस उससे बड़ा हो गया तो उस केस में डेफिनेटली एग्जिट आउट कर जाएगा, मतलब ये ऐसा कुछ हो जाएगा यहाँ पे, ऐसा समझ आ रही है आपको, तो कुछ ऐसा दिखा सकते हैं आप यहाँ पे कि यहाँ से हमने प्रोजेक्ट किया और ये कुछ ऐसा एग्जिट आउट हो गया, ठीक है, तो यहाँ से अगर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों का फोर्स का डायरेक्शन मिलेगा एंड फोर्स का इंटरसेक्शन से सेंटर मिल जाएगा, तो ये एंगल थीटा जो होगी ये आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, ये रेडियस आर है, दिस विल बी आर साइन थीटा, और आर साइन थीटा की वैल्यू आपकी एल होनी चाहिए, तो टाइम स्पेंड जो होगा वो आपका डेल्टा टी जो आप निकालोगे दैट विल बी साइन इनवर्स एल बाय आर एंड डिवाइडेड बाय ओमेगा, एंड ओमेगा इज क्यू बी बाय एम, तो इसको आप सब्स्टिट्यूट करके यहां से टाइम निकाल सकते हैं। अभी कर देखिए, अच्छा सी पे एंटर कब करेगा वो पूछा था उसने, तो सी पे एंटर कब करेगा, क्या कंडीशन निकला था हमारे ए के लिए, जो कंडीशन निकला वो क्या निकला है, जो एंटर सी एंटर कराना है मतलब एल की वैल्यू को अपने को छोटा रखना है विथ रेस्पेक्ट टू आर, तो L को अगर हमने छोटा रखा R से तो L की वैल्यू शुड बी लेस देन MV बाय QB, तो इसका मतलब V शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन QB L डिवाइडेड बाय M, तो QB L बाय M से बड़ा होना चाहिए, तो ऑप्शन C A आपका करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन B आपका इनकरेक्ट हो गया क्योंकि वो तो उल्टा बोल रहा है, पाथ ऑफ सर्कल पाथ ऑफ पार्टिकल इज सर्कल इन रीजन B, ये तो करेक्ट है, सर्कल कंप्लीट करे या ना करे बट पाथ तो सर्कुलर ही होगा, टाइम स्पेंट इन B इज इंडिपेंडेंट ऑफ E, ये तो गलत है क्योंकि अगर आप वेलोसिटी अगर आप ज्यादा देते हैं तो ऑब्वियसली आपका जो एग्जिट पॉइंट है वो चेंज होगा, और अगर एग्जिट पॉइंट चेंज होगा तो उस केस में थीटा भी चेंज हो जाएगी, और अगर थीटा चेंज होगी तो उस केस में आपका ऑब्वियसली आपका आंसर डिफरेंट आएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया, तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट, तो ये अगर आप देखोगे तो इससे हमने ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन को यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपने ये सोल्यूशन देखा होगा, अगर आपको कोई भी पार्ट में अगर कंफ्यूजन है, कोई भी पार्ट अगर आपको नहीं समझ आई है तो आप यहाँ पे कमेंट में नीचे में पोस्ट कर सकते हैं, मैं वहां पे आपको रिवर्ट बैक कर दूंगा। हैप्पी लर्निंग ऑल ऑफ यू।